नाथ की जय। शिवल्लभाधीश की जय। श्याम सुंदर शिवने महारानी की जय। श्री गोसाई जी परम दयाल की जय। श्री गोपाल लाल प्यारे की जय। श्री वाक्पतये नमः। श्री गुरु चरण कमले भ्यो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयम् नमः। नमो भगवते तस्मै कृष्णायाद्भुतकर्मणे रूपनाम विभेदेन जगत्क्रीडति यो यतः। बर्हापीडं नटवर वपुः कर्णयोः कर्णिकारं विब्रदवासः कनककपीशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः बृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत् गीतकीर्तिः सौन्दर्यं निजहृद्गतं प्रकटितं स्त्रीगूढभावात्मकम् पुनरूपं च पुनस्तदन्तरगतं प्राविविशत् स्वप्रिये संश्लिष्टा उभयोर्बभौ रसमय कृष्णो हि यत्साक्षिकम् रूपं तत्तृतीयात्मकं परमभि ध्येयं सदा वल्लभम्। नमोऽस्तु ते व्यास विशालबुद्धये फुल्लारविन्दाय तपः
नेत्र नेत्र येन त्वया भारत तेल पूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः यस्यानुकम्पावशतः सुदुर्लभम् मानुष्यमाप्तं परमस्य पुंसः सर्वार्थदं दीनदयालुमेकम् गोपाललालौ शरणौ प्रपद्ये गोपाललालौ शरणौ प्रपद्ये गोपाललालौ शरणौ प्रपद्ये श्री गोपाल लाल प्यारे की जय। वल्लभ नाम भलो हाँ वल्लभ नाम भलो सबन ते श्री वल्लभ नाम भलो सबन ते श्री वल्लभ नाम भलो सबन ते श्री वल्लभ नाम भलो याही में गोकुल याही में वृंदावन 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 याही में ब्रज मंडलो वल्लभ नाम भलो वल्लभ नाम भलो हाँ वल्लभ नाम भलो वल्लभ नाम भलो सबन ते श्री वल्लभ नाम
किया ही मैं गोवर्धन रासा दिलीला याही में गोवर्धन रासा दिलीला याही में गोवर्धन रासा दिलीला याही में यमुना कंद लो रसिक प्रीतम श्री वल्लभ जी के रसिक प्रीतम श्री वल्लभ जी के रसिक प्रीतम रसी
वल्लभाधीश की जय। अखंड भूमंडलाचार्य जगतगुरु महाप्रभु शिवल्लभाचार्य जी के अलौकिक रसात्मक स्वरूप का हृदय में ध्यान धर आपके युगल चरणारविंद में कोटानुकोटि दंडवत प्रणाम। एवं मंचस्थ विराजमान परम आदरणीय परम श्रद्धेय पूज्य श्री पितृचरण एवं समुपस्थित परम आदरणीय ज्येष्ठ भातृचरण आप महदाचार्यों के चरणारविंद में दंडवत प्रणाम। एवं मत्रैव उपस्थिताः सर्वे आदरणीय भूदेव जनाः श्री पुरुषोत्तम धाम बैठक मंदिर के हमारे सेवाभावी सभी कार्यकर्तागण जो इस सुंदर महोत्सव के प्रधान मनोरथी बने हैं, ऐसे जो स्वयं भी लाभ ले रहे हैं और उनके निमित्त से उनके परिवार एवं अन्य भी जो भी यहाँ पे उपस्थित सभी लोगों को भी लाभ लेवा रहे हैं, ऐसे मनोरथी परिवार के सभी बड़भागी वैष्णव वृंद भगवत कृपा से श्री गोपाल लाल प्रभु के मंगल पाठोत्सव के उपलक्ष्य में यह श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ महोत्सव साप्ताहिक यज्ञ का आज षष्ठम दिवस में हम सब प्रवेश कर रहे हैं और विशेष आज का दिन भी बड़ा विशेष है, महत्व का दिन है। आज वसंत पंचमी, मदन महोत्सव, आज सखीरी विदा भयो हेमंत और राग सभ भय बाराती दूलो राग बसंत। मदन महोत्सव, कामदेव का आज उत्सव है, प्रागट्य उत्सव है और साक्षात मनमत तो ऐसे हमारे श्री गोपाल लाल प्रभु हैं जो सबके मन को मोहन करते हैं। और आज से ये जो बसंत के खेल के दिन 40 दिन, क्योंकि चार प्रकार के भक्त हैं,
सात्विक, राजस, तामस और निर्गुण, तो चारों भक्तों के भाव स्वरूप आप 10-10 दिन के खेल पुष्टि परंपरा में होली खेल के मनाए जाते हैं, आज से लेके होली डोल तक। आज से हल्का खेल प्रारंभ हो गया, फिर 10 दिन, फिर वापस थोड़ा से खेल और रंग बढ़ेंगे, फिर खेल आगे और भारी होगा। तो इस प्रकार से चारों प्रकार के भक्तों के मनोरथ पूर्ण करने के लिए ये 40 दिन होली खेल के, ये वसंत, ये कलश का पूजन, आज पुष्टि मार्गीय मंदिरों में किया जाता है, वसंत पंचमी, आज के उत्सव की भी आप सभी को खूब बधाई एवं खूब खूब शुभकामनाएं। खूब प्रेम से ठाकुर जी को खिलाओ। खेल के दिन में सब विशेष सख्य भाव की प्रधानता रहती है। हमारे आचार्य श्री वल्लभ ने जो पुष्टि परंपरा में जो सेवा प्रणाली का पूरा जो नियोजन जो पूरा किया है, सर्वदा सर्वभावेन भजनीयो ब्रजाधिपः, सर्वदा सर्वभाव से ब्रज के अधिपति श्री कृष्ण की सेवा करनी, और सर्वभाव में माधुर्य भाव आ जाता है, सर्वभाव में सख्य भाव आ जाता है, सर्वभाव में दास्य भाव आ जाते हैं, स्वामी सेवक भाव आ जाता है, सर्वदा सर्वभावेन। तो विशेष प्रकार से ये जो 40 दिन जिसमें खेल की प्रधानता रहती है, और खेलन में को काको गुसाई, यानी हमारे आचार्य चरण गुरु ने उस परब्रह्म श्री कृष्ण के साथ हमारा इतना निकटतम संबंध जोड़ दिया कि पुष्टि मार्गीय वैष्णव वह भक्ति प्रणाली का अनुसार जब सेवा करता है तो ठाकुर जी को इतना समीप पाता है कि ये तो मेरे सखा हैं, ये तो मेरे बालक हैं, ये मेरे प्रियतम हैं। खेलने में जैसे आगे जाते हैं, रस्सी आदि शुरू आ जाती है, और तो और ठाकुर जी के आगे गारी दी जाती है, गारी भी गाई जाती है, ऐसी ऐसी भद्दी गारियां, क्योंकि सख्य भाव की प्रधानता है। हरी कारोरी हरी कारोरी, हरी द्वे बापन बीच वारोरी, तुम आवोरी हरी जू को गारी सुनावोरी। प्रियजनों, ऐसा कौन सा मार्ग संप्रदाय हो सकता है कि जहां पे उसके आराध्य को भी कहा सुना जाए, उसको भी गारी दी जाती है, लेकिन ये पृथक शरण मार्ग है जहां पे, अब जैसे दो मित्र हों तो मित्रों में तो गारी होती है, और ब्रज की गारी, ब्रज की ये तो सब विशेषता रही हुई है। ये तो जो भावों को समझे, भक्त कवि ने बड़ी सुंदर बात कही कि माही पड़या ते महासुख माने, गुजरात के भक्त कवि हुए जो कहते हैं कि माही पड़या ते महासुख माने, देख नारा दाजे जोने, तीरे उभा जुए तमाशो ते नवकोड़ी पामे जोने। माही पड़या, जो माही जो सागर में छलांग लगाता है उसको कहीं कुछ मोती रूप में रत्न प्राप्त हो सकते हैं, लेकिन जो तीरे उभा जुए तमाशो, जो केवल किनारों पे खड़े हुए हैं, केवल तमाशा देखता है, ते नवकोड़ी पामे, उसको कुछ हासिल नहीं होता, लेकिन जो छलांग लगावे ते महासुख माने। यानी आप भाव भावना, इसलिए पुष्टि मार्ग में स्वरूप भावना, लीला भावना, भाव भावना श्री हरिराय महाप्रभु जी ने बताई है। जैसे कल भी पूज्य श्री ज्येष्ठ भातृचरण के सुंदर वचनामृत में हमने यही श्रवण किया कि पुष्टि मार्ग ये मुख्य प्रयास भाव का मार्ग है, भाव ही साधन है, केवल और कोई साधन नहीं है। भक्तानाम दैन्यमेव हरितोषण साधनम्।
भाव भावना, लीला भावना, स्वरूप भावना, कई प्रकार की भाव भावनाएं बताई गई हैं। तो इसके लिए तो हमको ग्रंथों को खोल के जब हम बैठे हैं तो कुछ उसमें डुबकी लगावें, कुछ उसका अध्ययन करें तो वह भावना को हम जान सकते हैं। प्रियजनों, श्री महाप्रभु वल्लभाचार्य जी कृत यह पुष्टि मार्ग जहां सर्व भावों का संयोजन किया जाता है। आप देखिए, आरती करते हैं भगवान की, सर्व जगह आरती तो होती है, एक देव के रूप में आरती हुई, लेकिन आरती का भी जो प्रकार, उसमें भी फिर उत्सव मनोरथों में आप देखते होंगे तो मुठिया, आटे का चून का आटा वे सब बांध के केसरी कलर का, और फिर उसके ऐसे छोटे छोटे मुठिये तैयार किए जाते हैं, फिर यूं ठाकुर जी के ऊपर वारते हैं, चार मुठिया होते हैं, उसको मुठिया कहते हैं, फिर वार के फिर चारों दिशाओं में फेंकते हैं, और फिर आरती की जाती है। आरती में भी प्रकार है, पांच श्लोक सात श्लोक की आरती, फिर तत्पश्चात राइनोन होता है। अब देव के रूप में आरती तो करें, लेकिन राइनोन तो वहां पे वात्सल्य भाव आ गया कि नहीं, लाला को कोई की नजर न लगी हो तो राइनोन से नजर उतार दें। जो केवल स्वामी सेवक भाव रखे, केवल उनको ईश्वर भाव से ही उनका भजन किया जाए तो फिर वो हमारे राइनोन उतारे, हम उनके राइनोन नहीं उतारे। लेकिन यहां तो सर्वदा सर्व भावे न भजन यो ब्रजादि पर, चार मुठिया वाले के चारों प्रकार की मुक्ति भी तेरे पे न्योछावर है, चार प्रकार की मुक्ति बताई गई। इसलिए पुष्टि मार्गी मंदिर में ये विशेष रूप से आरती में, और आरती में भी जो घंटा टकोरा बजाए जाते हैं उसमें भी आप, आरती भी बहुत बड़ी बड़ी नहीं होती है, आरती छोटी होती है, कि भाई आरती करना तो हमारा धर्म है, लेकिन साथ ही साथ बहुत जोर जोर से टकोरा बजे तो उनसे ठाकुर जी को श्रम भी पड़े, तो ठाकुर जी को श्रम नहीं पड़े उस बात का भी विचार करना। यानी पुष्टि मार्ग में तत्सुखात्मक भाव, जिस कार्य से प्रभु को सुख पहुंचे उस प्रकार से क्रिया सेवा की जाती है, तद सुखे सुखित्वम, ये पुष्टि मार्ग है। जहां पे केवल प्रभु के सुख का विचार किया जाए यह पुष्टि मार्ग कहा जाता है। आरती उतारते हैं, फिर राइनोन तो वो वात्सल्य भाव, फिर दंडवत किए तो उसमें दास्य भाव आ गया। अलग अलग ऋतुओं पर, अलग अलग उत्सवों पर, शरद आ जाते हैं, हिंडोला आ जाते हैं, पलना जुला लेते हैं तो वात्सल्य भाव आ गया, हिंडोला जुलाया तो कहीं माधुर्य भाव आ गया, शरद आदि का शरद पूर्णिमा आती है तब जो पूरी सजावट होती है वहां पे माधुर्य रस है, दंडवत करते हैं तो दास भाव है, होरी खेल का समय है तो सख्य भाव है, सब भावों का मिश्रण है पुष्टि मार्गीय सेवा के क्रम में। जैसे एक प्रसिद्ध श्लोक है ना, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या, मेरे जो कुछ भी हो त्वमेव सर्वम मम देव देव, मुझे आप मिल गए तो मुझे सब कुछ मिल गया। एक को एक फकीर था, वह फकीर की कोई डफली जो बजाने वाली जो भजन वगैरह गाते समय उसका प्रयोग करता, अब कोई होगा चोर तो वो उसकी डफली चुरा के ले गया, तो गांव के जो राजा थे उनके पास गया कि महाराज मेरी डफली कोई चुरा के ले गया, मेरी थाली कोई चुरा के ले गया, मेरा तकिया चुरा के ले गया, मेरा हथियार चुरा के ले गया, चार पांच चीजें लिखवा दी। एक दो दिन में वो चोर को ढूंढने में आया, राजा के सामने उपस्थित हुआ, राजा ने कहा भाई ये जो फकीर की जो जो चीजें तूने चुराई हैं सब निकाल बाहर, तो वो डफली उसने चुराई थी कि महाराज मैंने ये चुराया, ये है, नहीं केवल इतना नहीं है, थाली भी थी, हथियार भी था, तकिया भी था, सब चीजें निकाल। वो चोर कहने लगा महाराज एक ही चीज है और तो कुछ थी नहीं इसके पास, तो कहे इसने तो चार पांच चीजें लिखाई है,
उसको बुलाया, फकीर को पूछा कि भाई ये तो कह रहा है एक ही वस्तु की चोरी करी और तूने चार पांच चीजें लिखा दी। डफली उसके हाथ में दी तो वो फकीर कहने लगा, महाराज बस मुझे मेरी डफली मिल गई तो मुझे मेरा सब कुछ मिल गया। कि मतलब मैं तो फकीर हूँ, मेरे पास कुछ है नहीं, जब कीर्तन गाने की इच्छा होती है तो ये डफली बजा लेता हूँ, जब खाने भूख लगती है तो इसी को थाली के रूप में प्रयोग कर लेता हूँ, नींद आती है तो इसी को सिर के नीचे लगा देता हूँ, कहीं कुछ किसी पशु का भय हो तो हथियार के रूप में भी इसका प्रयोग कर लेता हूँ, तो मुझे मेरी डफली मिल गई तो मुझे मेरे सब कुछ मिल गया। इसी प्रकार से कृष्ण मिल गए तो फिर सखा प्रियतम मेरे जो भी कुछ है, तमेव सर्वम मम देव देव, आप जैसा भाव उनसे जोड़ेंगे आपके भाव वो पूर्ण प्रकार से अवश्य पूरे करेंगे। भावना का मार्ग है। भावना रखनी चाहिए प्रियजनों, जितनी भावना रखेंगे इतना ही कार्य सिद्ध होगा। इसलिए हमारे ग्रंथों में श्री गोकुलनाथ जी आदि आचार्य आज्ञा करते हैं कि भावना ऊंची रखनी, भावना ऊंची रखो। और जितना इन भाव भावनाओं को हम समझेंगे प्रियजनों, इतना ही आपको आनंद की अनुभूति होगी। यानी जितना हो सके सद ग्रंथों का वांचन सेवन करें। यह श्रीमद् भागवत गीता सांप्रदायिक ग्रंथ कितने ग्रंथ हैं, वांचन करिए। ग्रंथ ही मन की ग्रंथियों से मुक्त करता है, जो मन की ग्रंथियों से मुक्त करे वो ग्रंथ है, जो मार्ग दिखाए वो पंथ है, जो दिशा दिखाए वो गुरु है। ये वसंत पंचमी नित्य राजभोग में श्री ठाकुर जी को खेल उत्सव, उसमें भी फिर जो रंग चोवा चंदन अबीर गुलाल आदि के सब भाव बताए गए हैं, गुलाल का भाव क्या है, अबीर किस भाव से, चोवा का क्या स्वरूप है, हरेक के भाव। ये शुरू होने वाले जो खेल के दिन और ये यहाँ मुरैना क्षेत्र यह गांव में श्री गोपाल लाल जी ये खेल के दिन में पधारे, अब आज पंचमी और सप्तमी का आपका मंगल पाठोत्सव है, आप सब जानते ही हैं। सुंदर श्री ठाकुर जी को जो पाठ पे विराजे पाठोत्सव, ठाकुर जी को तिलक आरती, पलना नंद उत्सव, सुंदर मनोरथ, तो 28 तारीख को खास स्मरण बना के रखें प्रियजनों अपने श्री गोपाल लाल प्रभु का प्रथम ये पाठोत्सव। तो खूब ठाकुर जी को मंगल बधाई देवे के लिए ठाकुर जी के सन्मुख पलना नन्नोत्सव आदि उत्सव में अवश्य सन्मुख रह के ठाकुर जी को बधाई दीजो। तो जैसे कि हम बात कर रहे थे आज का ये दिन बड़ा विशिष्ट वसंत पंचमी यह उत्सव, और साथ ही साथ ज्येष्ठ भातृचरण उनके भी आज मंगल विवाह का दिवस, तो यहाँ से आपसी को भी खूब खूब आज के विवाह दिवस की भी बधाई प्रेषित करते हैं सबकी ओर से। आप आचार्य यहाँ पे विराज रहे हैं इतना समय लेकर, सब कार्यों को गौण कर हमें आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं, हम सबका उत्साह वर्धन कर रहे हैं, ये आप महतों की कृपा है। तो खूब आज के मंगल दिन की खूब खूब बधाई भी सबकी ओर से प्रेषित करते हुए, और तो और जैसा कि हमने कहा विशिष्ट दिन है, यानी हम जिस राष्ट्र में रहते हैं उस हमारे राष्ट्र का जो संविधान राष्ट्र की दृष्टि से देखा जाए, एक हम भारतीय हैं, हम भारत के हैं, सदस्य हैं,
और जिस राष्ट्र में हम रहते हैं, जो एक महान राष्ट्र है, महानता विचारों से सिद्ध होती है। तो हमारे ये राष्ट्र की पुरातन संस्कृति है, ऋषि संस्कृति, वेद हम सब का आधार हैं। कथा के अंतर्गत भी आया था कि भरत जी के नाम से ये राष्ट्र का नाम भारत हुआ। और तो और हमारे ये राष्ट्र की जितनी महानता के गुण गाए जाएं प्रियजनों, इतना कम है। तो आज ये 26 जनवरी और जहां पे हमारे जो संविधान हैं जो लागू हुए कि जिससे प्रजा सुखी रहे, सब साथ में आगे बढ़ सकें, तो खासकर इस विशिष्ट दिवस पर भी, गणतंत्र दिवस की भी आप सभी को बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामना हम प्रेषित करते हैं। और एक आदर्श वैष्णव उसी को कहा जाता है कि जो जीवन के हर क्षेत्र में अपना योगदान दे। मैंने पूर्व में भी ये बात कही थी कि केवल माला फेर लेना या माथे पे टीका लगाना ही ये वैष्णवता नहीं होती है। अपने आचार में, अपने विचार में और जीवन हम गृहस्थ में जी रहे तो हर पहलू में, क्योंकि जिस राष्ट्र में हम रहते हैं तो उस राष्ट्र के प्रति भी हमारा कुछ योगदान है। तो अपने अपने स्तर पर जो भी हम योगदान अपने राष्ट्र विकास के लिए दे सकें, क्योंकि ये राष्ट्र, ये आज़ादी भी, ये सब कुछ जैसा कि हम हमारा इतिहास हम पढ़े हुए हैं, सुने हुए हैं, बहुतों की शहादतों से कई ऐसे वीर हमारे फौजी और हमारे ऐसे ऐसे स्वतंत्र सेनानी जो हुए, घर परिवार को छोड़कर भारत की सुरक्षा के लिए, भारत की आज़ादी के लिए, भारत की संस्कृति के लिए जिन्होंने अपने आप को झोंक दिया है, तो ऐसे महान आत्माओं को भी हम कैसे विस्मृत कर सकते हैं। उन जितने भी महान आत्माएं हैं जो भारत की आज़ादी और ये संविधान आदि के लिए जिन्होंने अपने आप को भी झोंक दिया, उन सभी महान आत्माओं को भी यहाँ से हम प्रणाम करते हैं और उनके चरित्र को याद करते हुए हम भी प्रेरणा प्राप्त करें कि हमसे जो हो सके अपने राष्ट्र के विकास के लिए हमारा भी योगदान रहे। ये हम सबका एक नैतिक जिम्मेदारी है। तो आज की ये 26 जनवरी एक काफी एक विशिष्ट दिनों का आज का ये संयोजन है। तो खूब आज के दिन की सभी को शुभकामना के साथ आइए प्रियजनों, हमारी ये जो षष्ठम दिवस की जो यात्रा, श्रीमद् भागवत दशम स्कंध निरोध लीला में हम प्रवेश करें। श्री भागवत भगवान की जय। श्री गिरिराज धरण की जय। गत दिवस हमने गोवर्धन उत्सव का आनंद लिया। गोवर्धन लीला यानी गो यानी ज्ञान, जिस लीला के माध्यम से ज्ञान का वर्धन हो वह गोवर्धन लीला। गो यानी भक्ति, जिस लीला के माध्यम से भक्ति का वर्धन हो वह लीला का नाम है गोवर्धन लीला। गोवर्धन उत्सव के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण ने ब्रज भक्तों का ज्ञान का वर्धन किया, साथ ही साथ भक्ति का भी वर्धन किया। जो ब्रजवासियों का अन्यथा ज्ञान था, उन अन्यथा ज्ञान को दूर किया। बाकी भगवान को तो यज्ञ प्रिय है, तो इंद्रयाग आपने भंग करवाया, क्योंकि भगवान का एक कार्य ये भी है कि जब भक्त में अभिमान आ जाए तो उस अभिमान को दूर करना। और वैसे भी ये इंद्रयाग वह शास्त्रोक्त था नहीं, न तो वो स्मार्त है न श्रोत है, तो फिर ऐसा यज्ञ करना वेदोक्त नहीं है। इस वजह से आपने कही कि ये यज्ञ का कोई मतलब नहीं है। जब उत्सव आदि की तैयारी चल रही थी तो प्रभु ने पूछा नंदराय जी से
बाबा ये कौन सा उत्सव मनाने की आप तैयारी कर रहे हो, तो के इंद्र याग। इंद्र भगवान है, मेघ उसके पुत्र हैं, जो ये वृष्टि करते हैं, जिससे सृष्टि का जनकत्व चलता है। तो मेघपति इंद्र भगवान की हम पूजा यज्ञ के माध्यम से उनका अभिनंदन करते हैं, साधुवाद प्रदान करते हैं। परजन्यो भगवान इंद्र। आचार्य श्री वल्लभ सुबोधिनी जी में समझाते हैं कि जो इंद्र ही भगवान है और स्वतंत्र रूप से जो वही सृष्टि को पोषण देता है, जिससे सृष्टि का जनकत्व चलता है, तो फिर शास्त्र वेद भागवत उपनिषद गीता आदि जो कहते हैं कि सृष्टि का पोषण पालन करने वाले तो परब्रह्म श्री कृष्ण हैं, तो फिर उन वेदों का विरोध हो जाएगा, उन उपनिषदों का विरोध हो जाएगा। दो बातें, सत्य तो एक हो सकता है। इंद्र को भगवान की विभूति मानकर पूजा किया जाता तो आपत्ति नहीं थी, लेकिन इंद्र को ही जब भगवान मानकर पूजा गया तो ये यज्ञ शास्त्रोक्त नहीं था, वेदोक्त नहीं था, क्योंकि विश्वोत्पत्त्यादि हे तवे, विश्व की उत्पत्ति लय और उसका पोषण करने वाले केवल और केवल श्री कृष्ण ही हैं। आचार्य श्री वल्लभ आज्ञा करते हैं कि मेघ दो प्रकार के होते हैं, एक गर्जनात्मक और दूसरा है वृष्टि करता। उसमें गर्जनात्मक यानी शब्दात्मक जो मेघ हैं वो इंद्र के अनुचर हैं, और वृष्टि करने वाले मेघ वो भगवान श्री कृष्ण के अनुचर हैं। तो सृष्टि का पोषण करने वाले श्री कृष्ण ही हैं, इंद्र को इंद्र। तो ये जो ब्रजवासियों का अन्यथा जो ज्ञान था, वह अन्यथा ज्ञान को दूर कर वास्तविक जो ज्ञान आपने उनको प्रदान किया, यानी ये कथा से ये सिद्धांत समझ लेना है प्रियजनों। कई बार धर्म हमें जो परंपराओं में मिलते हैं, लेकिन वो परंपरागत धर्म का जब आप निर्वाह करते हैं तो उस क्रिया को टटोल लेना चाहिए कि वो कार्य शास्त्रोक्त है कि नहीं। और परंपरा से चले आ रहे हैं, हमारे ये करते आए तो हम भी करते आ रहे हैं, या किसी ने ये कह दिया, कहीं भी जाके माथा टेक दिया, अरे ये मेरे गुरु, ये मेरे गुरु। जो भी गुरु की भी शरण में जाओ तो वह गुरु कौन सी परंपरा से है, उनकी विचारधारा वो कौन से सिद्धांतों को प्रतिपादित करते हैं। जैसे हम सबके गुरु महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य, तो श्री वल्लभाचार्य चरण जिन्होंने वेदाः कृष्ण वाक्यानि व्यास सूत्राणि चैव हि समाधि भाषा व्यासश्च प्रमाणम च चतुष्टयम्। इन चार जो हमारे सनातन धर्म ग्रंथ, सनातन संस्कृति के जो आधारभूत जो ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों का आधार लेकर हम वैष्णवों के सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं। पुष्टि मार्ग भाव का मार्ग है, लेकिन वह भाव वह प्रमेय भी प्रमाण के साथ है, प्रमाण के साथ प्रमेय को बताया गया है। जैसे हमने आचार संहिता की बात की, कॉन्स्टिट्यूशन की बात की कि हमारा संविधान लागू पड़ा, उसी प्रकार से सनातन धर्म के भी जो संविधान, ये श्रीमद् भागवत वेद, क्योंकि वेद प्रणहितो धर्म, वेद जिसको कहे उसका नाम धर्म, वेद में जिसका निषेध हो वो अधर्म। हम जो कर रहे हैं वह कार्य शास्त्रोक्त है या नहीं, सत्य है या असत्य है, वेदोक्त है या नहीं, यह सब जानकारी लेके फिर उन क्रियाओं को करना चाहिए, न कि परंपरा से चला रहा है तो उसको भी हम करते जाएं। देखा देखी नहीं करना चाहिए। वो एक वैष्णव थे, सेवा करते ठाकुर जी की बड़े प्रेम भाव से, धोती बंडी पहने सेवा में बैठे, बहुत दिनों तक सेवा करी, वाको बेटा भी देख तो पिताजी बड़े भाव से सेवा कर रहे हैं, वाके अंदर भी भावना जागृत भाई। कल पूज्य श्री भातृचरण ने बड़े सुंदर आज्ञा आपने करी कि हम अपने बच्चों को, अपने वंशजों को क्या उदाहरण प्रस्तुत करेंगे, क्या उनको देके जाएंगे, शस्त्र देने हैं या शास्त्र देने हैं। शस्त्र देने हैं तो भी अच्छी बात है, दो तो फिर सीधे बॉर्डर पे चले जाओ,
देश की सेवा करो। जो शस्त्र का ही बड़ा शौक है तो उसका अच्छा उपयोग करे, देश की सेवा करिए बॉर्डर पे जाकर। यहां अपने क्षेत्र से तो कई लोग जाते हैं, कई ऐसे वैष्णवों से भी हम मिले हैं, अच्छी बात है, वो भी आवश्यक है। आज वो वहां पे जाके सेवा करते हैं तभी तो हम निश्चिंत अपने घर में रह सकते हैं, नहीं तो चारों ओर का वातावरण तो हम सब जानते हैं। कुछ अपने परिवार, अपने वंशजों के लिए, बालकों के लिए अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करके जाएं। हमारे अच्छे कार्यों से वो हमारा स्मरण करें। हम मनुष्य यशस्वी बनने के लिए आए हैं, यशस्वी बनिए प्रियजनों, ऐसे कार्य करें कि वह कार्य, वह यश आने वाली पीढ़ियां भी गान करें। जिस प्रकार से ये इस प्रकार का आयोजन, श्रीमद् भागवत का आयोजन, जिससे जो निमित्त बनते हैं वो, इसके अलावा अन्य भी इसका लाभ प्राप्त होता है। आज इस भगवत कार्य से जो मनोरथी परिवार है आज उसके यश की वृद्धि होती है। जो जो इस प्रकार के भगवत कार्य में निमित्त बनते हैं उसका यश अलौकिक, अलौकिक सामर्थ्य मिलता है, यश मिलता है। जब इस प्रकार के कार्य करते हैं तो एक अच्छा उदाहरण हम छोड़ के जाते हैं। जब सेवा जब करते हैं, इसलिए शास्त्रों में मातृदेवो भव पितृदेवो भव, माता पिता को गुरु कहा गया है। दुश्शीलो मातृदोषेन पितृदोषेन मूर्खता, कार्पण्यम वंश दोषेन आत्मदोषात् दरिद्रता। शास्त्र कहता है माता के दोष के चलते पुत्र दुश्शील यानी चरित्र बिना का बनता है, चरित्रहीन। पितृदोषेन मूर्खता, पिता के दोष के चलते बालक मूर्ख होता है। कुल के दोष के चलते बालक दरिद्र डरपोक होता है, और स्वयं के दोष के चलते आत्मदोषात् दरिद्रता, स्वयं के दोष के चलते वह जीव दरिद्र बनता है। यानी हमारी प्रवृत्ति कुछ इस प्रकार की रहे कि जिससे औरन को भी प्रेरणा मिले, ऐसा अपना जीवन बनना चाहिए। अब हम बात कर रहे थे वह वैष्णव रोज सेवा करे तो उसको देखकर उसके बेटे को भी प्रेरणा मिली। पिता के गोलोक के वास होने पर अब वो सेवा उसने अपने माथे पधराई, पिता को देखा तो धोती ने सब पहन के बढ़िया सेवा करने बैठे। अब सेवा करने बैठे तो धोती जो पहनी और लांग जो है पीछे की लांग खोल के बैठे। रोज सेवा में धोती बंडी पहन के जाए पर लांग खोल के बैठे। एक दिन कोई वैष्णव उनके घर पर आए, ठाकुर जी के मंदिर में गए, देखा वो सेवा पहुंच रहा है तो लांग खोल के, तो भैया तेरी लांग खुल गई। कि खुली नहीं, खुली है। क्यों? तो कहीं रोज मैं खोल के ही करता हूँ, लांग खोल के सेवा करता हूँ। क्यों ऐसा? अरे मेरे पिताजी भी जब बैठते सेवा करने के लिए तो उनकी लांग खुली होती थी, मैंने देखा, तो मैं भी इसी प्रकार से। वो वैष्णव ने कही भैया तेरे पिताजी को शरीर बड़ो हृष्ट पृष्ट, तो छोटी सी धोती पहनते बैठे हुए जाते तो पिछले की पटली अपने आप खिसक जाती, और तू वही कोई सिद्धांत मान रहा है, वही को सिद्धांत मान के वो भी सेवा करे तो पटली खोल के बैठे। वार्ता जी में आता है एक निष्कंचन वैष्णव थे, एक ने दातुन ने पधराया चम्मच की जगह ठाकुर जी में, उसके पास कुछ साधन नहीं थे, तो उसको देखकर सबने अपने अपने घर में ठाकुर जी की थाली कटोरी में से चम्मच निकाल दी और दातुन पधराई दी। देखा देखी नहीं होनी चाहिए, अनुकरण नहीं अनुसरण यह आवश्यक है। यानी परंपराओं का जब आप निर्वाह करते हो कि हमारे बाप ये व्रत करें, ये किया वो किया, लेकिन वह सब प्रमाणिक है या नहीं, सिद्धांतिक है या नहीं, इसलिए गुरु की आज्ञा लेकर वो आज्ञा जिस प्रकार दें, इसलिए तो हम गुरु की शरण में जाते हैं। वो आज्ञा करें हाँ भी तू ये व्रत कर या तू ये मंत्र का स्मरण कर, कोई भी मंत्र लिया या कहीं से भी बाजार में से कंठी लिया है गले में डाल के पहन ली, ऐसे नहीं। कंठी मंत्र भी जब तक गुरु के द्वारा नहीं मिलती वो फलीभूत नहीं होते हैं। कोई भी मंत्र सुन लिया टीवी पे और वो मंत्र बोलने लग गए, वो मंत्र फलीभूत कभी नहीं होता है जब तक गुरु के द्वारा मंत्र नहीं मिले।
यानी ये जो कथा उस समय सारस्वत कल्प में प्रियजनों एक बड़ा विशेष एक क्रांति जो परंपराओं से जो चल रही थी प्रक्रियाएं कि नहीं आपने उसको बदला कि नहीं सही रूप में उसको होना चाहिए। कहवे लग गए प्रभु के बाबा आप कह रहे हो कि इंद्र वृष्टि करे ने वासे अपने जीवन में सुख आवे तो फिर अपन के कर्म की तो कोई मतलब रहे ही नहीं, तो कर्म का क्या मतलब हुआ बाबा अपने जीवन में आ तो दुख सुख। कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैव अभिपद्यते। अपने जीवन में आता सुख दुख भय ये सब हमारे कर्म का प्रतिबिंब है प्रियजनों, याद रखें। अपने जीवन में सुख दुख का कारण अन्य किसी को न मानना ये जीव का सबसे बड़ा अज्ञान है। जो हम अपने सुख दुख का कारण अन्य किसी को मानेंगे तो व्यक्ति कभी इससे परे हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि अन्य व्यक्ति तो सदा कोई ना कोई तो रहना ही है। अकेले तो ऐसा संभव है नहीं कि पूरी सृष्टि में अपन अकेले ही रहें, कोई ना कोई तो होगा ही ना सृष्टि में। अकेले होते हैं तो और ज्यादा दुखी हो जाएंगे। यानी जो हम अपने दुख सुख का कारण अन्य किसी को मानेंगे तो उससे आप निवृत्त ही नहीं हो पाओगे। यानी ये सत्य को समझ लीजिए, जीवन में आता सुख और दुख अपने कर्म का ही प्रतिबिंब है, वो फिर वर्तमान के कर्म हो, प्रारब्ध के हो, वाचिक मानसिक, कई प्रकार के कर्म होते हैं, कई प्रकार के कर्म होते हैं। मनसा के साथ की गई क्रिया उसे कर्म कहा जाता है, भगवान जो करते हैं उसे लीला कहा जाता है। कोई भी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो कार्य किया जाए उसे कर्म कहते हैं, और भगवान जो करें वो लीला, क्योंकि वो आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए नहीं करते हैं, वह तो आनंद की अभिव्यक्ति के लिए आप क्रिया करते हैं। यानी ठाकुर जी जो कार्य करें उसे लीला कहते हैं। जिंदगी शी चीज छे गावो तो ये गीत छे सुख मड़े के दुख मड़े कर्मनीय रीत छे जो बनो प्रेमी तमे तो हर मनुज मन मीत छे अंध थई ना चालशो राह वच्चे भीत छे बेखबर ने तो हवे मौत थी पण प्रीत छे। जिंदगी शी चीज छे गावो तो ये गीत छे सुख मले दुख मले कर्मनीय रीत छे। जो भी जीवन में दुख सुख ये कर्म के आधार पे ही प्राप्त होता है। बड़ा विस्तार है, जैसे कर्म का उपदेश गीता जी में भी भगवान ने दिया अर्जुन को, कर्म क्या है, अकर्म क्या है, कर्म योग किसे कहते हैं। अभी तो समय नहीं है कि उन विषयों का यहां से संपादन किया जाए, लेकिन यहां भागवत में भी भगवान ने ब्रजवासियों को बड़ा सुंदर कर्म का उपदेश दिया। तो ब्रजवासी कहे कि लाला तू ये सब बात छोड़, तू तो ये बता कि कर्णों का है, तो इतनो बड़ो ये कर्म ने ये सब उपदेश दे रो, ये हमको नहीं समझ में आवे का करें। ब्रजवासी तो कहवे लग गए नंदराय जी को, हमारो कान कहे सो कीजे, बस सीधी बात ये है। और फिर आपने गोवर्धन पूजा, क्योंकि ब्रज के जो तीन पर्वत हैं उसमें श्री गिरिराज जी विष्णु स्वरूप है, गिरिराज सभी गिरियों के राजा, ऐसे गिरिराज यह गोवर्धन के, इसकी पूजा करें, ब्राह्मणों की पूजा करें, गायों की पूजा करें। जहां गाय को जल औषधि अन्न आदि जो मिलते हैं, जहां चरने जाती है वह श्री गिरिराज जी की तरेटी, तो श्री गिरिराज जी को पूजन करो। और फिर सबको हमारो देव गोवर्धन रानो, सबको गोवर्धन की पूजा कराई। बहुत सी सामग्री जो यज्ञ में विनियोग होनी थी उसकी सामग्री सिद्ध करके श्री गिरिराज जी को धराई, सहस्त्र भुजा धारण कर आपने वह सामग्री आरोगी। सभी ब्रजवासियों ने तरेटी में बैठ के वह प्रसाद ग्रहण किया। तदपश्चात वहां से जब नारद जी प्रसाद लेकर इंद्रलोक में गए, भगवत स्मरण करते हुए जब इंद्र को प्रसाद हाथ में पधराया और समाचार दिए कि ब्रज में गोवर्धन याग हुआ, जिसको सुनकर इंद्र को क्रोध आया और भगवान के लिए अपशब्दों का प्रयोग करने लगा।
वाचा लंबालिशं स्तब्धं मंग्यं पंडितमानिनं कृष्णं मर्त्यमुपाश्रित्यं गोपामे चक्रुटप्रियं। इंद्र ने भगवान की ओर दोष दृष्टि से देखा, लेकिन आचार्य चरण ने इंद्र के द्वारा इन बोले हुए अपशब्दों को भगवान के गुण स्तुति के रूप में प्रकट किया है, क्योंकि सज्जन व्यक्ति किसी के बोले हुए अपशब्दों को पुनः दोहराते नहीं है। तो आचार्य चरण ने जो सुबोधनी में इंद्र ने ये जो शब्द के प्रयोग किए अपशब्दों, लेकिन उन शब्दों को स्तुति के रूप में प्रकट कर दिया। जैसे इंद्र कहता है वाचालम, अर्थ होता है ये बड़बड़ करने वाला, बालिशम ये ज्ञान रहित सामर्थ्य बिना का, स्तब्धम अज्ञम ज्ञान शून्य, मर्त्य मनुष्य, पंडित मानिनम खुद को पंडित मानने लगा, और इसके कहने पर सब ब्रजवासियों ने इंद्र याग नहीं किया। आचार्य चरण इंद्र के द्वारा बोले गए इन शब्दों को स्तुति वाचक अर्थ करते हुए आज्ञा करते हैं, वाचालम यानी आज ठाकुर जी कैसे हैं, जिनकी वाचा अलम यानी कभी अटकती नहीं, ऐसे वाणी के पति वाचालम। इंद्र ने कहा बालिशम, संस्कृत में व और ब अक्षर ये अभिन्न अक्षर माने जाते हैं, यानी बालिशम शब्द वालिशम भी कहा जाता है, यानी वाली पर कृपा करने वाले जो मरकट को भी मोक्ष दे दें वह बालिशम। स्तब्धम कोई एक जो आकाश में वृक्ष की तरह स्तब्ध, उस पुरुष से यह सारा जगत पूर्ण है। वृक्ष एव स्तब्धो दिवि तिष्ठे तत्स्नेदकम् पूर्ण पुरुषेण सर्वमिति श्रुतेः। यह श्रुति वाक्य अनुसार वह स्तब्ध ब्रह्मभूत है। अज्ञम जिनके स्वरूप को कोई जान न सके, पंडित मानिनम पंडितों को भी मान देने वाले, इस प्रकार से बड़े सुंदर भाव आचार्य चरण ने सुबोधनी में प्रकट किए। आपसी आज्ञा कर रहे हैं कि ये जो इंद्र की बुद्धि भ्रष्ट हुई उसका कारण है असमर्पित का सेवन, क्योंकि जो आहुति भगवान के परक थी वह आहुति को इसने स्वीकार किया, इसलिए आपसी ने इंद्र के लिए निषेध भाग भोक्ता हा शब्द का प्रयोग किया है कि इंद्र कैसा है, निषेध भाग यानी जो उसके हक का नहीं है उस भाग को उसने स्वीकार किया जिससे उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, जिसको हम असमर्पित सेवन से ले सकते हैं। क्यों आपसी आज्ञा कर रहे हैं, वल्लभाचार्य आज्ञा कर रहे हैं कि असमर्पित वस्तु नाम तस्माद वर्जनमाचरेत सर्व वस्तु समर्पणम, केवल खाने पीने की बात नहीं है यहां पे, सर्व वस्तु समर्पणम। तुम स्नान कर रहे हो, तुम दवाइयां ले रहे हो, तुम घर में रसोई बना रहे हो, तुम दुकान में जा रहे हो, तुम खेती कर रहे हो, तुम गृह कार्य कर रहे हो, आपसी आज्ञा कर रहे हैं सर्व वस्तु समर्पणम। जब आप कोई क्रिया करते हैं, जब कर्म करते हैं, उस कर्म के केंद्र में जब कृष्ण आ जाए तो वह कर्म भक्ति कहलाता है, लेकिन जब कर्म के केंद्र में मैं और मेरा परिवार, ये रसोई हम घर के पांच जने उसके लिए है, तो वो आपकी सांसारिक वासना कही जाती है। दुकान पे जाना है, खेत करनी है, आजीविका के साधन करने हैं कि हाँ उस धन से कुछ भगवत कार्य में हरिगुरु वैष्णव में ये सेवा पैसा लगे, बाकी खुद के लिए ही भोग लिया। कई लोग तो खुद के लिए भी नहीं भोगे, बस इकट्ठा करो संचय करो। इस भोग वृत्ति को प्रियजनों हिरण्याक्ष कहा जाता है, हिरण्याक्ष वृत्ति। हिरण्याक्ष, हिरण्य यानी सोना, अक्ष यानी आंख, जिसकी आंख में सोना है यानी जिसकी आंख में केवल लोभ ही लोभ है, लोभ वृत्ति का नाम है हिरण्याक्ष, भोग वृत्ति का नाम है हिरण्यकशिपु। यानी जो केवल संग्रह करना संचय करना, केवल इकट्ठा करो, कि वो इकट्ठा साथ में तो आना नहीं है, न लेके जा सकते हैं, न कुछ हम लेकर आए न लेके जा सकते हैं। धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे भार्या गृहद्वारे जन श्मशाने देहश्चितायां परलोके मार्गे कर्मानुगो गच्छति जीव एक। जो धन कमाया वो धन तो भूमि पर रह जाएगा, और या तो वो धन को केवल संचय में सोचोगे, या तो कहीं बीमारी में निकल जाएगा, या तो कहीं ऐसे लौकिक कार्य में व्यर्थ निकल जाएगा। इससे अच्छा भगवत कार्य में धन को लगाओ, धन की उत्तम गति है दान।
लेकिन कई लोग दान भी नहीं करें, कई लोग भोग भी नहीं, केवल बस संग्रह संग्रह संग्रह। जितना आपने आपके हाथों से धन का विनियोग किया इतने ही धन के आप स्वामी कहे जाते हो, और बाकी तो जितना छोड़ के गए उसके स्वामी आप नहीं हो। अपने हाथ से आपने जितना विनियोग कर दिया उसके ही तो स्वामी हैं, बाकी केवल इकट्ठा इकट्ठा बहुत सा करके चले गए, जीवन तो क्षणभंगुर है, फिर वो धन का क्या किया जाए। अरे हमारे पुत्रों के काम में आएगा, पुत्र कुपुत्र तो का धन संचय, पुत्र सुपुत्र तो का धन संचय। जो पुत्र सुपुत्र है तो अपने संस्कार अपने दिव्य कर्म से वो अपने भाग्य का निर्माण करेगा, और पुत्र कुपुत्र है आपने अच्छे संस्कार ही नहीं दिए, केवल धन उनके पीछे छोड़ के चले जा रहे हो। भैया बहुत जरूरी बात है क्या तेरे? और पुत्र जो कुपुत्र है तो का धन संचय है। अब जो अच्छे संस्कार ही आपने नहीं दिए हैं तो फिर जिनके लिए आप धन छोड़ के गए वो उसकी वैल्यू तो समझेगा ही नहीं, मौज शौक में उसको निकाल देगा। यानी दोनों ही एंगल से देखा जाए तो धन का केवल संचय वृद्धि, धन आवश्यक है प्रियजनों, लेकिन उस धन का किस प्रकार से विनियोग करना ये समझ उससे भी महद आवश्यक है। और बाकी केवल संग्रह वृत्ति तो धनानी भूमौ, वह धन तो भूमि पर रह जाएगा, पशुवश्च गोष्ठे पशु आदि उनके स्थान पर रह जाएंगे, भार्या गृह द्वारी भार्या घर के दरवाजे तक साथ देगी, जन स्मशाने जन संबंधी लोग स्मशान तक साथ देंगे, देहश्चितायाम देह चिता तक साथ देख देता है, तो साथ में क्या आया, धर्मानुगो गच्छति जीव एक, हमारे किए हुए सत धर्म वही हमारे साथ में आएंगे प्रियजनों। कहने का प्रयोजन, जीवन के प्रत्येक कर्म के केंद्र में कृष्ण को रखो, और वो जब कर्म के केंद्र में कृष्ण आ जाए तो वो भक्ति कहलाती है, और मैं और मेरा परिवार तो वो वासना। अब जैसे हम पूर्व में इन विषयों को सुन चुके हैं कि भगवान ने इस जगत को जो प्रकट किया, जगत के जो पदार्थों को प्रकट किया किस लिए, कि अपनी लीला करने के लिए, जिसको बहिरंग लीला कहा जाता है। अब जगत को प्रकट किया और जगत की वस्तुओं को प्रकट किया किस लिए, स्वयं की लीला करने के लिए। अब हम भी उसमें प्रकट हुए। अब जब जीव इन जगत की वस्तुओं को भोगता है तो उस जीव को दोष लगता है, कौन सा दोष, निषेध भाग भोगता है, जो उसके हक का नहीं है उसका सेवन वो कैसे कर सकता है, समझिएगा इस विषय को। जैसे आपने अपना खेत बना के रखा है, उसकी चारों दीवारी बनाई हुई है, अब वह भाग में वह हिस्से में कोई आके अतिक्रमण कर ले तो वो दोष रूप है या नहीं, उसको दोष रूप कहा जाता है क्योंकि वो उसके भाग का नहीं है, तो फिर अपनी सीमा में उसको रहना चाहिए। तो उसी प्रकार से ये जो शास्त्रोक्त दृष्टि से देखा जाए तो पूरा जगत ये वस्तु उस पे हक किसका है, किसके लिए है, श्री कृष्ण का है। अब जब जीव उनको भोगता है तो उसको दोष लगता है, कौन सा, निषेध भाग, जो उसके हक का नहीं उस भाग का उसने सेवन किया। अब प्रश्न ये होता है कि भोगे बिना हम रह भी नहीं सकते, हमारे जीवन की कुछ आवश्यकताएं हैं, तो इसलिए आचार्य चरण आज्ञा कर रहे हैं, सर्व वस्तु समर्पणम, सर्वप्रथम जिसने जिसके लिए प्रकट हुई है सब वस्तुओं को उसमें समर्पित कर दो, और फिर जो उसको प्रसाद रूप में तुम ग्रहण कर रहे हो तो उसमें कोई आपत्ति नहीं है। इसलिए घर में ठाकुर जी को पधरा कर सेवा करते हुए जब धन का विनियोग, सर्व वस्तुओं का विनियोग श्री ठाकुर जी में होता है और समर्पित से जीवन निर्वाह करते हैं तो बुद्धि सात्विक ही रहती है, लेकिन असमर्पित के सेवन से बुद्धि तामसी हो जाती है, सत्य क्या असत्य क्या उसका निर्णय नहीं कर पाती। जैसे यहाँ पे देखो, इंद्र ने जो ब्रजवासियों पे कोप किया, आचार्य चरण आज्ञा कर रहे हैं कि इंद्र तो देवता है, सात्विक है, तो फिर ब्रजवासियों पर भगवत भक्त है, तो फिर भक्तों पर कोप क्यों किया, ब्रजवासियों पर क्रोध क्यों किया, तो कारण
असमर्पित का सेवन। तो जो असमर्पित के सेवन से इंद्र की बुद्धि भ्रष्ट हो गई तो वे साधारण जीवों की क्या बात करनी। इसलिए हम ब्रह्म संबंध लेने के बाद सर्व वस्तु का समर्पण, यहां तक कि कोई भी कार्य भी हमें नया प्रारंभ करना हो, श्री ठाकुर जी की आज्ञा, गुरु की आज्ञा लेकर विनती कर उस कार्य को हम प्रारंभ करते हैं, सबसे पहले ठाकुर जी के आगे निवेदित करते हैं। ये शरणागति भाव प्रत्येक जीव को रखना चाहिए। अब देखिए, असमर्पित के सेवन से इंद्र की बुद्धि भ्रष्ट हुई और उसने क्या किया, सीधा ब्रज पे सामर्थक नाम के मेघों को आदेश दे दिया कि जाओ ब्रज को डुबो दो जो प्रलय काल में कार्य करते हैं। धीरे धीरे वह मेघ पूरे ब्रजमंडल पे छा गए, ऐसा अंधेरा छा गया, ऐसी वृष्टि होने लगी मानो हाथी के सूंड से पानी गिर रहा है, ऐसी वृष्टि हुई। धीरे धीरे पूरा ब्रज जल में जहां डूबने लगा, सब लोग घबराए, श्री ठाकुर जी के पास आए ब्रजवासी, कहने लगे कृष्ण कृष्ण महाभाग तन्नार्थम गोकुलम प्रभु त्रातुर्महस देवान कुपिता भक्तवत्सल। हे भक्तवत्सल, हे महद भाग्यवान लाला, अब तो तेरे भाग्य से ही हम ब्रजवासियों की रक्षा हो सकेगी। तेने कही कि गिरिराज को पूजन करो, गोवर्धन पूजा करो, देखो इंद्र को पाई मान भयो। भगवान कहते चिंता मत करो, डरो मत, अपन ने कछु गलत काम नहीं की हो, ऐसा करो सब अपने गौ वंश आदि को लेकर, परिवार को लेकर सदो गिरिराज जी की तरेटी में। श्री ठाकुर जी समस्त ब्रजवासियों से को श्री गिरिराज जी की तरेटी में ले गए, हाथ जोड़ के विनती करी, हे श्री गिरिराज बाबा, हमने जो निष्ठा भाव से आपकी सेवा पूजा की हो तो कृपा करके ये इंद्र के क्रोध कोप से आप ही हमारी रक्षा करें, आप ही हमारे छत्र बने। और सब ब्रजवासियों के सामने देखते ही देखते बड़े ही सहजता और सरलता में आपने सहजता से श्री गिरिराज को अपने भुजाओं पे धारण कर लिया। देखो ये गिरिराज बाबा हमारे छत्र बने हैं, आ जाओ सब ब्रजवासी श्री गिरिराज जी की शरण में, श्री गिरिराज जी की तरेटी में। सब ब्रजवासी श्री गिरिराज जी की शरण में आ गए, सुदर्शन को छोड़ दिया, जहां जहां जल भर रहा था वह जल को सुखाने लगा, शेष को आज्ञा दे दी चारों ओर से, ब्रज को लपेट लिया कि जल अंदर न आए। और श्री ठाकुर जी भुजा पर श्री गिरिराज को धारण कर ऐसे सुंदर दर्शन दे रहे, सब ब्रजवासी जय जय घोष करने लग गए। बोलिए श्री गिरिराज धरण की जय, श्री गिरिराज धरण की जय। सभी ब्रजवासी कह रहे बाबा ये तुम्हारो लाला तो हम ब्रजवासियों पे कृपा करवे के लिए ही ब्रज में आयो है, हम सबको उद्धार करवे के लिए, हम सब पे कृपा करवे के लिए ब्रज में आयो है, और तो और इतनी बार याने हमारी रक्षा करी, परंतु आज तो याने ये गिरिराज उठा लियो, तुम्हारो ये लाला ये धन्य है। एक ने तो पूछी कि ये आपको ही बालक है ना, नंदराय जी के, हाँ ये मेरो ही एक कैसे प्रश्न कर रहे हो, अरे नहीं इतने दिन से सुनते आ रहे हैं, और तो और गर्गाचार्य जी भी आए थे जो यदुवंशियों के कुल पुरोहित हैं, तो याली ये विचार आ रहे है कि बालक नंदराय जी के, मेरो ही बालक है। हाँ एक बात मैंने तुम तो छुपाई थी कि गर्गाचार्य जी जब आए तो उनने कही कि ये कोई साधारण बालक नहीं है, या के अंदर कभी कभार इतनो बड़ो भगवान को आवेश आ जाएगो तो ये बड़े बड़े कार्य करेगो, तो मुको तो लग रो है आज या के अंदर आवेश आ गयो है। श्री ठाकुर जी मन में सोचे मेरे अंदर का आवेश आएगो, मैं ही तो भगवान हूं, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। सब ब्रजवासी श्री ठाकुर जी के गुणानुवाद गायवे लग गए, गोवर्धन यानी जिस लीला के माध्यम से ब्रजवासियों की भक्ति का वर्धन हुआ वह गोवर्धन सब श्री ठाकुर जी की शरण में आ गए। इंद्र ने कोप कियो ब्रज ऊपर, इंद्र ने कोप कियो ब्रज ऊपर, तब गिरिवर नख पर धारे कान्हा, तब गिरिवर नख पर धारे, ब्रज की तो है, ब्रज की तो है लाज मुकुट वारे, ब्रज की तो है।
ब्रज के तोए ओ ब्रज की तोए लाज मुगटवारे ब्रज की तोए लाज मुगटवारे ब्रज की तोए लाज मुगटवारे ब्रज की तोए ब्रज की तोहे लाज मुकुटवार ब्रज के तोए ओ प्यारे रसिया बाबा रे रसिया ओ प्यारे रसिया हाँ प्यारे रसिया छोटे छोटे रसिया अरे छोटे छोटे रसिया प्यारे प्यारे रसिया प्यारे प्यारे रसिया ब्रज की तोहे लाज मुकुट वारे ब्रज की तोहे ए ब्रज की तोहे लाज मुकुट वारे ब्रज की तोहे ताली की सेवा करते हुए सभी चंदा सूरज तेरो ध्यान धरत है चंदा सभी गाइए सूरज तेरो ध्यान धरत है चंदा सूरज तेरो ध्यान धरत है ध्यान धरत नवलख तारे ओ ध्यान धरत नवलख तारे ध्यान धरत नवलख तारे ओ ध्यान धरत नवलख तारे ब्रज के तोहे ब्रज की तोहे लाज मुकुटवार ब्रज की तोहे हाँ प्यारे रसिया हो बारे रसिया हाँ प्यारे रसिया हो प्यारे रसिया ओ रसिया
रसिया प्यारे रसिया हो प्यारे रस ब्रज की तोई लाज मुगतवारे 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 ब्रज की तोई 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 बोलो ब्रज के रसिया की जय ब्रज की तोहे लाज मुगटवारे ब्रज की तोहे ब्रज की तोहे लाज मुगटवारे ब्रज की तोहे सात दिन आपने शिगराज को धारण करके रखा ब्रज की तो लाज मुकुटवारे ब्रज ब्रज का एक भाव ये भी है कि यह शरीर थोड़ा भगवान के जो समीप ले जाए उसको ब्रज कहा जाता है तो भगवान के समीप ले जाने में यह शरीर भी एक साधन है शरीर भी एक माध्यम है तो ये शरीर भी ब्रज है और इस ब्रज की शोभा जब ये ब्रज श्री कृष्ण की सेवा में लगे जयति तेदिकं जन्मना ब्रज श्रयत इंदिरा शश्वतत्र ही जैसे कि गोपी गीत में भी आपके जन्म से ब्रज शोभायमान हुआ गोपियों ने कहा ये शरीर हमारा जो ब्रज ये भगवत कृपा से ही शोभायमान है और जो ठाकुर जी की कृपा न रहे तो ये देह शोभायमान नहीं है ये शरीर को देह को सातों दिन ये गिरिराज को धारण करने वाले भगवान से कृष्ण ही तो हैं इनकी लाज उन्हीं के हाथ में है और जो वो एक दिन की भी छुट्टी रख दें तो फिर ये शरीर को धारण करने के लिए दूसरे चार जने चाहिए है कि नहीं हां के ना बोलो तो सही सात दिन कौन धारण करके बैठे हैं ये 24/7 ये शरीर ये ब्रज ये गिरिराज मान लो इसको कौन धारण करके बैठे हैं भगवान स्वयं सातों दिन एक दिन की भी छुट्टी नहीं इसलिए तो सूरदास जी को कहना पड़ा जिन तन दियो तिन ही बिसारियो ऐसो नमक हरामी मौसम कौन कुटिल खल कामी जो ये देह की रक्षा करने वाले हैं जो इसका पालन पोषण करते हैं और जो उन्हीं के लिए हम समय न निकाल सकें जो कथा के लिए आप समय न निकाल सको सत्संग के लिए समय न निकाल सको सेवा के लिए समय न निकाल सकें तो सूरदास जी के वचन ऐसो नमक हरामी मौसम कौन कुटिल खल कामी जो सातों सात दिन ये इसको धारण करके बैठे हुए हैं और वो अंदर धारण करके रखे हुए हैं जिसके वजह से दूसरे सब घर परिवार के संबंध टिक पा रहे हैं यानी मूल संबंध तो हमारा यही है आत्मा का ब्रज की तो है लाज मुकुटवारे ब्रज की तो है पुरुषोत्तम प्रभु की छबे निखर निरखे गाय गोप के रखवारे
गिरिराज धरण की जय। गोवर्धने धृतिशील आसाराद्रक्षिते व्रजे गोलोकात् आव्रजत् कृष्णां सुरभिः शक्र एव च। सात दिन निकल गए। अब यहां आचार्य चरण आज्ञा कर रहे हैं कि सात ही दिन क्यों शिगिराज आपने धारण किया, तो आचार्य चरण उसके भी भाव श्री सुबोधनी में प्रकट कर रहे हैं। जीव सात जगहों पर आश्रय रखता है, तो सात प्रकार के अन्याश्रय छुड़ाने के लिए आपने सात दिन शिगिराज धारण करके रखा। अब सात कौन कौन से अन्य आश्रय, तो देवताओं पे जीव आश्रित आश्रय रखते हैं, ऋषियों पर, पितृ पर, स्वयं पर, आत्मीय लोगों पर, पुत्रादिकों पर, पारलौकिक यागादिक धर्म पर और वैदिक अनुष्ठान पर। तो ये सात जगह जीव का आश्रय रहता है, तो उन सात प्रकार के अन्याश्रय को छुड़ाने के लिए सात दिन गिरिराज धारण किए। भक्ति कैसी होनी चाहिए? अनन्य भक्ति होनी चाहिए। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान आज्ञा कर रहे हैं भक्ति अनन्यता रखो। जो मुझ में अनन्य भाव रखता है उसका योगक्षेम फलाम्यहम्। भागवत में आप देख लीजिए, मय्यनन्येन भावेन, तृतीय स्कंद में कपिल भगवान स्वयं कहते हैं कि भक्ति का स्वरूप क्या है, कि भक्ति कैसी होनी चाहिए? अनन्य। अनन्यता का मतलब एकमात्र एक श्री कृष्ण का ही आश्रय, जिसको तुमने निवेदन किया है उन्हीं का आश्रय रखो। हाँ, मांगलिक प्रसंगों में हम अलग अलग देवी देवताओं की स्थापना आदि करते हैं, क्योंकि मार्ग हमारा शास्त्रोक्त है, वेदोक्त है, लेकिन उन पर आश्रय जीव नहीं रखता है कि हम तो, हमारे आश्रयदाता तो स्वयं श्री कृष्ण है और श्री कृष्ण के द्वारा तो इनको शक्ति प्रदान होती है। इंद्र ब्रह्मा शिव के अंदर भी शक्ति प्रदान करने वाले तो परब्रह्म श्री कृष्ण हैं, और जब उन परब्रह्म श्री कृष्ण के हम शरण में आ गए तो फिर हमको अन्य जगह पर आश्रय रखने की कहां आवश्यकता रह जाती है। एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, यानी एक कंत, एक पंथ, एक ग्रंथ और एक संत, ये आग्रह आश्रय रखो प्रियजनों। सोमवार इसका किया, शनिवार इसका कर दिया, वहां गुरुवार कर दिया, वहां जाके माथा टेक दिया। हाँ, अच्छी बात है, कहीं भी रास्ते में जा रहे हैं, कोई देवालय मंदिर आए, भगवत स्मरण किया, हाथ जोड़ के नमस्कार वंदन, वो तो सबका आदर। यहाँ तो किसी व्यक्ति का भी अनादर नहीं करना चाहिए, तो देवी देवताओं की क्या बात है, सब आदरणीय है, पूजनीय है, लेकिन भजनीय स्मरणीय वो हमारे श्री कृष्ण है। ये गोवर्धन लीला, ये अनन्याशक्ति की, अनन्य भक्ति की कथा है प्रियजनों। यथा तरोर मूल निषेचनेन तृप्यन्ति तत्स्कंद भुजोपशाखा प्राणोपहाराश्च यथेन्द्रियाणाम। भागवत में लिखा है, स्वयं भागवतकार कहते हैं कि जिस प्रकार से मूल में पानी डालने से वृक्ष के पत्ते और शाखाओं में सब जगह पानी पहुंच जाता है, तो वृक्ष को हरा भरा करने के लिए क्या करना पड़ेगा? मूल में पानी डालो। मूल सिंचे वृक्ष सिंचाए, और वो व्यक्ति तो मूड है जो शाखाओं में पत्तों पे पानी छाटता है, यानी सबके मूल श्री कृष्ण है। और जब हम एक संप्रदाय में जब दीक्षित हो जाते हैं, आत्म दीक्षा जब हम लेते हैं, निवेदन ब्रह्म संबंध करते हैं, तो शास्त्र कहता है, इसलिए कहा ना, परंपराओं को निभाना परंपराओं में धर्म है, लेकिन परंपरा में ही धर्म है ऐसा जरूरी नहीं है। हम जो परंपराओं का निर्वाह कर रहे हैं वो शास्त्रोक्त है या नहीं? शास्त्र तो क्या कहता है? गीता अनन्य भक्ति, कि अनन्य भक्ति रखो, शनिवार इसका करो, मंगलवार इसका करो। वो प्रसंग आता है, शायद आपने सुना हो, मैं याद कराऊं। एक बार एक कोई बुजुर्ग, एक माझी महिला, एक डोकरी नदी में नहाने के लिए गई, डुबकी लगाई, उत्साह बढ़ गया, थोड़ी और आगे निकल गई। अब आगे निकल गई, उस समय थोड़ा प्रभाव जल का बढ़ गया, तो अचानक घबरा गई,
बैलेंस रहा नहीं, डूबने लग गई। और अब तो जैसे ही कष्ट आया तो याद किया, हे शिवजी मेरी रक्षा करो, हे शिवजी मेरी रक्षा करो। शिवजी को बेचारे पे दया आ गई, चलो उसको बचा लेते हैं। खड़े हुए तो वहां पे ये बोली, हे गणपति मेरी रक्षा करो, हे गणेश मेरी रक्षा करो। तो शिव जी ने सोचा कि अब तो गणेश को बुला लिया तो मेरा क्या काम, मैं बैठ जाऊं। गणेश जी को दया आ गई, सोचा कि चलो इसको बुढ़िया को बिचारी को बचा लेते हैं। अब वो खड़े हुए तो फिर तीसरे का नाम ले लिया। गणेश जी ने सोचा कि तो फिर उनको ही जाने दो, फिर मैं जाऊं तो अच्छा थोड़ी लगता है, जिसको बुलाया वो जाना चाहिए। अपन बुलाएं किसी को और आवे कोई और तो अच्छा लगे। तो देवता ने उसको बुला रहा तो वो जाएगा। तो ऐसे जितने उसको नाम याद थे सब बोल दिए, हुआ क्या, डूब गई। इससे अच्छा किसी एक को पुकारा होता तो आ जाते, बच जाती। यानी ध्यान रखना, इतने जगह पुकारने मत जाना कि कोई सुने ही नहीं। और जब समर्थ अपने ऐसे आराध्य श्री कृष्ण भक्ति में जब हम एक वैष्णव संप्रदाय में जब हम जुड़ जाते हैं तो फिर अपने सबकी प्रक्रियाएं भावना केवल और केवल उनके प्रति रहनी चाहिए। हाँ, जब जब हमारे घरों में प्रसंग आते हैं तो हम देवता आदि के स्थापना करते हैं, या वो उन प्रसंगों तक आविर्भाव हुआ फिर तिरोहित कर दिया, फिर उनको नित्य उसकी आवश्यकता नहीं रह जाती है। तो ये सात प्रकार के अन्याश्रय, देव ऋषि पितृ स्वयं आत्मीय पुत्रादि पारलौकिक यागादि कर धर्म और वैदिक अनुष्ठान, इसलिए सात दिन प्रभु ने शिगिराज धारण किया, ब्रजवासियों के अन्याश्रय को छुड़ाया। जब भगवान की जब ये सब शरण में आए तो के आपने व्रत लिया कि हाँ अब मैं इनकी रक्षा करूंगा, क्योंकि शरणागत की रक्षा करना ये मेरा धर्म है। और यही भाव से आपने शिगिराज को उठाया। अब वो सामर्थक नाम के मेघ इंद्र के पास आकर समाचार दिए। इंद्र ने देखा, प्रभु का महात्म्य ज्ञान समझ में आया, गलती समझ में आई। अब गलती तो हो गई लेकिन अब उसको ठीक कर ले, जो कर ले ठीक गलती को उसे इंसान कहते हैं। इंसान गलतियों का पुतला है, हो ही जाती है अक्सर जाने अनजाने, लेकिन इंसान कौन है, जो कर ले ठीक गलती को उसे इंसान कहते हैं। इंद्र प्रभु के सन्मुख स्तुति करने के लिए आने की भावना प्रकट हुई उसके अंदर, लेकिन सोचा कि क्या मुंह लेके जाऊं, जिसने मुझे इंद्रासन दिया उन्हीं के भक्तों के आगे मैंने कोप किया, अपना ऐश्वर्य दिखाया। विचार किया कि प्रभु को तो सबसे प्रिय गौ है, तो गाय को आगे रखा। गोलोका ब्रजत कृष्णाम सुरभि शक्र एवच, तब गोलोक से सुरभि गाय इंद्र और सब देवगण श्री कृष्ण की सेवा में वहां ब्रज में उपस्थित हो गए, सामने आ गए। और श्री इंद्र ने आकर श्री ठाकुर जी को साष्टांग दंडवत लगाई और हाथ जोड़ते हुए बड़ी सुंदर स्तुति की। आइए स्तुति के कुछ श्लोकों का गान करें। विशु सत्वं तव धाम शांतं, विशुद्ध सत्वं तव धाम शांतं, तपोमयं द्वस्तरजस्तमस्तं, मायामयोयं गुणसंप्रवाहो न विद्यते ते ग्रहणानुबन्ध, कुतो नु तद्वे तव ईश मन्यु, लोभादयो ये बुधलिंग भाव, तथापि दण्डं भगवान् विभर्ति धर्मस्य गोप्तै खलनिगृहाय, पिता गुरुस्त्वं जगतामदीशो, दुरत्यय काल उपात दण्डः, हिताय स्वेच्छा
तनु भी समी हसे मानम विदुन्वन जगदीश मानिनो ये मद्विदाज्ञा जगदीश मानिन स्वाम विक्ष काले भयमाशु तन्मदम हिताय मार्गो प्रभुजन्त्यपस्मया इहाथलानाम अपि तेनु शाशनो विशुद्ध सर्वं तव धाम हिताय स्वेच्छा तनुभि समीहसे मानं विधुन्वन् जगदीश मानिनं मानो मानो विद्याज्ञा जगदीश मानिना ये मद्विद्याज्ञा जगदीश मानिना जगदीश मानिना सारे गरे सारे गरे सारे गरे सारे ग गपधप 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 गपध पध साध पध साध पध साध पध सारे गरे सारे गरे सारे गरे सारे ग गपधप 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 गपध पद साध पद साध पद साध पद सा 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 ध ध ध ध प प प प ग रे सा 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 ध ध ध ध प प प प ग रे सा 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 ध ध ध ध प प प प ग रे सा सा रे ग रे ग सा रे सा जगदीश मानिना ये मद्विदाज्ञा जगदीश मानिना इंद्र हाथ जोड़ते हुए श्री ठाकुर जी की शरणागति स्वीकार करते हुए कहता है प्रभु विशुद्ध सत्वम तव धाम शांतम प्रभु आप विशुद्ध हैं
आचार्य चरण बड़ा सुंदर इस पे सुबोधनी जी आप लिखते हैं कि ठाकुर जी ने इंद्र पे कृपा की है, न कि क्रोध किया, क्योंकि क्रोध ये तो सत्व और रज तम इन गुणों के आधार पर जीव क्रोधित हो जाता है, लेकिन आप तो विशुद्ध हैं, इन गुणों से पर हैं। इंद्र कहता है ये मत विदाज्ञा जगदीश मानिनम, हे प्रभु आपने यह लीला मेरे जो जीव हैं जो अपने आप को मदांध के चलते जगदीश मानने लग जाते हैं, मैं करता हूं मैं करने वाला हूं, वास्तव में ऐसे जीवों को उन पर कृपा करने के लिए ही आपने ये शिगराज को धारण किया है जो स्वयं को कर्ता मानने लग जाता है, मैं करने वाला मैं करने वाला मैं करने वाला। तो प्रभु आपने ये मदांध को दूर करने के लिए आपकी ये लीला है कि सर्व सामर्थ्यवान कर्तुम अकर्तुम सर्व सामर्थ्यवान तो आप हैं। आपने ये मेरे हित में ही प्रभु ये कार्य किया है। तवावतारो यमधोक्ष जेह भुवो, आचार्य चरण आज्ञा करते हैं कि यहां इंद्र भाव प्रकट कर रहा है कि जो भगवत जो अवतार है वो दुष्टों को नाशार्थ ही आप अवतार धारण करते हैं। दुष्ट दो प्रकार के होते हैं, स्वरूप से दुष्ट और दोष संबंध से दुष्ट। प्रथम प्रकार के दुष्टों के दोषों का तो निराकरण हो ही सकता है, लेकिन दूसरे दुष्ट जो दोष संबंध से हुए हैं उनका निराकरण करना भी उचित ही होगा। इंद्र कहता है क्योंकि हे प्रभु हम नष्ट करने योग्य नहीं हैं, आपका यह अवतार मुख्य दो प्रयोजन से हुआ है। अन्य जो अवतार हैं उनके कार्य तो एक ही हैं, सज्जनों की रक्षा करना, लेकिन आपका यह अवतार निग्रह और अनुग्रह दोनों के लिए हुआ है। आप निग्रह तो मेरा कर ही चुके हैं, अब मैं आपकी शरण में आया हूं तो अनुग्रह भी आपका कर्तव्य है, तभी आपके अवतार का प्रयोजन सिद्ध होगा। तो हे प्रभु आपने मेरे अभिमान का निग्रह किया, अब आप मुझ पर अनुग्रह करें, मेरे पर कृपा दृष्टि करें। पिता गुरुस्तम जगताम दिशो, जिस प्रकार से एक पिता अपने पुत्र को गुरु अपने शिष्य को शिक्षा प्रदान करता है, उस प्रकार से प्रभु आपकी यह गोवर्धन लीला ये हम सबके लिए शिक्षा रूप ही है। नमस्तुभ्यं भवते पुरुषाय महात्मने वासुदेवाय कृष्णाय सात्वताम पतये नमः। हे भगवान हे पुरुष हे महात्मा वासुदेव श्री कृष्ण यादवों के स्वामी, मैं आपको बार बार नमस्कार करता हूँ। मयांतिकारी मदवन मग्धा मखभंगनुग्रहतो मदनुस्मृतये नित्यं मतस्येन्द्रिय श्रिया वृषम्। भगवान ने कहा हे इंद्र, तुम अपने इंद्र पद के ऐश्वर्य मद से मतवाले उन्मत्त हो चुके थे, अब तुम्हारा अभिमान नष्ट हुआ है, नित्य मेरा स्मरण करो और इसलिए मैंने तुम्हारे यह यज्ञ का भंग करवाया। मामिश्चर्य श्रीमदांधो दंड पारिंगम न पश्यति, हमारी आज्ञा में रह के जो तुम्हें कार्य, देखो आपने उसके पद से उसको नहीं हटाया, पद का जो अभिमान था वो आपने दूर किया और कहा कि जो पद जो आज्ञा तुमको दी है वह आज्ञा हमारी आज्ञा में रहते हुए तुम सेवा कार्य करो, अपने तुम लोक में जाओ, तुम्हारा कल्याण हो। भगवत स्तुति करकर इंद्र प्रभु के दंडवत करके वापिस अपने धाम में गया। सब ब्रजवासियों को भगवान के महात्म का बोध हुआ। फिर भगवान ने श्री गोवर्धन को शिगराज को अपने भुजाओं से नीचे उतारकर यथावत स्थान पर पधरा दिया। यशोदा जी ने भगवान के पूजा करी और इस प्रकार से ब्रजवासियों को उनके भावों की रक्षा, उनके भावों का वर्धन यह गोवर्धन लीला के माध्यम से किया। तामस साधन प्रकरण और इस साधन प्रकरण में यह गोवर्धन लीला विशेष, जिसमें साधन लीला में दो मुख्य ठाकुर जी की जो लीला, भक्तों के साधन स्वयं आप करते हैं,
जैसे कात्यायनी के प्रसंग में भी आप सामने से पधारे, चीरहरण करके उनको वरदान प्राप्त कराया कि आने वाली शरद रात्रि में तुम्हारे मनोरथ पूरे करेंगे, तो वहां पे भी आपने साधन किए। और यह गोवर्धन लीला, गोवर्धन धारण करके 7 दिन भक्तों के हितार्थ निरोध सिद्ध करवाने के लिए आपने यह साधन, जो ये साधन प्रकरण में इसका निरूपण किया गया है। अगले अध्याय में वरुण के मोह को दूर किया, नंद बाबा को वरुण लोक से छुड़ा कर लाए और फिर ब्रजवासियों को अपने स्वधाम के दर्शन कराए, उस कथा का यहाँ पे निरूपण किया गया है। उसके पश्चात प्रियजनों आगे श्रीमद् भागवत दशम स्कंध तामस फल प्रकरण प्रारंभ होता है। फल प्रकरण यानी रास पंचाध्याय की कथा। चीरहरण काल में कात्यायनी के प्रसंग में जब भगवान ने कहा, आज्ञा करी कि आने वाली शरद रात्रि में तुम्हारे मनोरथ हम पूर्ण करेंगे, जिस फल की आपने बात की थी उन फलों का यहां पे निरूपण किया गया है। जैसे उनने भावना के साथ व्रत किया था उन कुमारिकाओं ने, अब उन भावनाओं के अनुसार उनको फल देने का समय आया। तो आगे के 5 अध्यायों में फल प्रकरण का निरूपण किया गया है, जिसमें श्री ठाकुर जी की माधुर्य भाव की लीला का यहाँ पर वर्णन है। यानी बड़े सावधानी से श्रवण करना है प्रियजनों, और इसमें बताए हुए माधुर्य भाव इतने रसात्मक हैं कि उन भावों को तो जब आप ग्रंथ हाथ में लेके गुरु कृपा से गुरु के सन्मुख में जब आप उनसे निकटता हो और जब साथ में बैठकर जब सत्संग हो, तो उन भावों का विस्तार से सत्संग किया जा सकता है। बाकी सार्वजनिक रूप से ये जो माधुर्य भाव हैं, इन रसात्मक भावों का वर्णन करना, वर्णन किया भी नहीं जा सकता, क्योंकि उसकी भी कुछ मर्यादाएं होती हैं। लेकिन एक बात समझे, यहाँ पे जो माधुर्य भाव की जो कथा है, ये बड़े ही उच्चिष्ट भाव हैं। देखिए उच्चतम भाव, क्योंकि माधुर्य भाव में भी भगवान को माधुर्य भाव से भजने वाले भी अलग अलग प्रकार के जीव होते हैं। जैसे कोई भगवान को स्वामी के रूप में भजता है, कोई अपने सख्य रूप में भजता है, कोई अपने वात्सल्य भाव एक बालक के जैसे उनकी सेवा करते हैं, भजते हैं, किसी को ठाकुर जी के प्रति माधुर्य भाव होता है कि ये मेरे प्रियतम है। तो यहां ये जो 5 अध्याय है ये माधुर्य भाव की कथा है, और माधुर्य भाव में भी अलग अलग प्रकार के वर्गीकरण बताए गए हैं, जिसमें एक साधारण रति, क्योंकि रति 3 प्रकार की होती है, रति यानी प्रेम, वह माधुर्य प्रेम भी करने वाले 3 प्रकार के जीव होते हैं। एक साधारण रति जिसको कहा जाता है, दूसरी है समंजसारथी, और तीसरी है समर्थारथी। प्रेम के भी 3 रूप हैं। अब साधारण रति किसको कहेंगे, जैसे उदाहरण के रूप में उसमें हम कुब्जा को ले सकते हैं। कुब्जा को श्री ठाकुर जी के स्वरूप में प्रेम था, घर पे पधारने की उसने विनती करी, और उसका भाव कैसा है, प्रभु आप तो मुझ पर कृपा करें, मेरे मनोरथ सिद्ध करें, यानी आपको सुख पहुंचे कि न पहुंचे आप मुझे सुख प्रदान करें, इसलिए इसको साधारण प्रेम कहा जाता है। माधुरी भाव है लेकिन साधारण रति। उसके ऊपर है समंजसा, जिनमें हम अष्टपटरानियों को देख सकते हैं जो भगवान की, उनको भी भगवान में माधुर्य प्रेम है, उनके पति हैं, और उनका प्रेम कैसा है, उनका भाव रति कैसी है, आपको भी सुख मिले और आप हमें भी सुख प्रदान करो, अरस परस है। और तीसरी रति है समर्था, जो उसके उदाहरण रूप हैं गोपीजन। गोपीजनों में भी ठाकुर जी के प्रति माधुर्य भाव है, और उन माधुर्य भाव में इनका भाव प्रेम कैसा है, हमें सुख मिले कि न मिले, प्रभु आपको सुख मिलना चाहिए, तत्सुखात्मक भाव, तद सुखे सुखित्वम की जहां भावना है,
वह श्रेष्ठ रति कही जाती है, उसको सर्वोत्तम प्रेम कहा जाता है। इसलिए गोपी प्रेम की धजा, जिन गोपाल की ओ अपने बस, गोपी प्रेम की ध्वजा। तो यहां जो ये माधुर्य भाव का निरूपण किया गया है, सर्वोत्तम रति जिन गोपियों के अंदर है, उन गोपियों के प्रेम रति की, उसका वर्णन, उनके भाव, उनके संयोग का अनुभव, उनके विप्रयोग का अनुभव, जो ठाकुर जी ने रसदान की आज्ञा करी थी, वह रस स्वरूप श्री ठाकुर जी स्वयं है। और रस का अनुभव दो प्रकार से होता है, संयोग से और विप्रयोग से। दो प्रकार से ही रस का अनुभव हो सकता है। जैसे अभी आप कथा में बैठे हो, जितने भी लोग नित्य निरंतर आए हैं, कथाओं को ध्यान से भाव से श्रवण किया है, संयोग रस का अनुभव हुआ। और जिसने एकाग्र भाव से सुना है, जिसमें मन लगाया है कथा में, अब जब कथा की कल पूर्णाहुति होगी तो उसके बाद उसके हृदय में विप्रयोग भी तो होगा कि कितना सुंदर रोज आनंद करते थे, रोज सत्संग होता था, श्री ठाकुर जी की लीला को सुनते थे, कितना उसमें याद रहे न रहे वो अलग कथा है, लेकिन इतने सुंदर सानिध्य में तो आप बैठे 7 दिन। बाकी विचार करो, अभी ये समय में क्या करते होते घर में, कोई सो रहा होता, कोई खा रहा होता, कोई पी रहा होता, कहीं कुछ कहीं कुछ कहीं कुछ। लेकिन कम से कम ये 7 दिन गोपाल प्रभु के पाठोत्सव निमित्त में, ये जो भागवत का सानिध्य, ये गुरुजनों का सानिध्य, ये वैष्णवों का सानिध्य, ये पूरा माहौल, ये अलौकिक वातावरण, और इस स्थान में हमको बैठने का अवसर मिला, आज जब आप इसको अवगाहन करोगे, इसका स्मरण करोगे, उसको विप्रयोग रस कहा जाता है, तब इसका और विशेष अनुभव होता है, इसकी कीमत और बढ़ जाती है। कई बार जो चीज सरलता से प्राप्त हो जाती है, जीव उसकी अवगणना कर देता है, और बहुत कठिन परिश्रम के बाद जो वस्तु प्राप्त होती है, तब जाके उसकी वैल्यू समझता है। मैंने पहले भी आपको कहा था, हमें ये धर्म ग्रंथ, ये भागवत, ये मार्ग, बहुत परिश्रम, हमारे पूर्वजों के अगाध श्रम से ये हमें सब कुछ प्राप्त हुआ है, सहज न समझना। मानव जीवन भी भगवान की कृपा से हमको प्राप्त हुआ है, ये सहज नहीं है, विशेष कार्य करने के लिए हमें ये प्राप्त कराया है। इन बातों को चिंतन करिए, जो मनन करे वही तो मनुष्य है, बाकी खाली खाली क्रिया करते जाए कर्म, वो तो पशु भी करता है ऐसा भोग आदि तो, लेकिन जो मनन करे, मैं क्या कर रहा हूं, सुबह से रात तक पूरा दिन मेरा किन विषयों में मेरा चित रहता है, किन बातों का मैं चिंतन करता रहता हूं, आज कितनी देर में मौन रहा, आज कितनी देर भगवत नाम हुआ, आज कितनी देर भगवत सन्मुखता रही। जिस प्रकार से कुशल व्यापारी दुकान में बैठा हो तो शाम को पूरा मेल जोल करे, इतना आया और इतना गया, उसी प्रकार से आध्यात्म के मार्ग में चलने वाला एक सच्चा साधक भी शाम को, इसलिए तो कहते हैं रोज सत्संग करो कि पता चले उससे कि आज पूरा दिन कितना हमने क्या क्या कार्य किया, कितना अलौकिक अर्थ कमाया, कितना गंवाया, कितना समय ऐसे ही व्यतीत हो गया, ऐसे ही समय व्यतीत हो जाता है, बैठे बैठे निकल जाता है। ये समय बड़ा ही कीमती है प्रियजनों, क्षण त्यागाद कुतो विद्या, धन त्यागाद कण त्यागाद कुतो धनम, एक एक क्षण एक एक पल बड़ी ही कीमती है। अरे आत्मचिंतन आत्म मनन जब करते हैं, जब ये कथा भी पूर्णाहुति हो प्रियजनों, 7 दिन बस हम बैठे आए गए ऐसा नहीं, लेकिन जो जो विषयों को सुना, जो जो बातें याद रही, यहाँ से कितने ही चरित्र, कितने उपदेश, कितनी कथाएं अलग अलग प्रकार की यहाँ से कही गई, और कुछ नहीं, केवल कोई एकाध सूत्र भी आप जीवन में आत्मसाध कर लो तो ये 7 दिन की ये कथा फलीभूत मान लेना। केवल एक सूत्र आप जीवन में उतार लो प्रियजनों, मैं तो ये कहूंगा आपको, तो यहां से इतने घंटों हमारा बोलना, ये इतना सब तामझाम, आप लोगों का भी इतना यहां पे समय देना, ये सार्थक होगा जो एक सूत्र भी आपने जीवन में उतार लिया।
पर हित सम धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधि माई। बस ये इतना ही उतार लो, पर हित सम धर्म नहीं भाई। दूसरों को हित से बड़ी कोई वैष्णवता नहीं है, और दूसरों को पीड़ा दे उससे बड़ा कोई अधर्म नहीं है। एक सूत्र को भी आप जीवन में उतार लें प्रियजनों, मैं आपसे ये निवेदन करता हूं, यानी जब इसके पश्चात जब पूर्णाहुति भी हो जाए वो विप्रयोग, और विप्रयोग जब जीव इस बात का जो रस का उसके अनुभव किया, उसका चिंतन करता है, तो वह रस फलीभूत होता है। यानी ये जो रास लीला है प्रियजनों, यह रास लीला क्या है? रसाणाम समूह इति रास। जब भगवान को एको अम बहुस्याम एकांते न रमयते सद्वेका के मिच्छेत, लीला करने के लिए स्वयं के रस का अनुभव करने की जब आपको इच्छा हुई, तब आप एक में से दो हुए, दूसरे स्वरूप आप प्रकट हुए लीला करने के लिए, अपने अंदर रहे हुए आनंद की अभिव्यक्ति करने के लिए। और जब दूसरा स्वरूप प्रकट हुए, वह श्री राधा जी का स्वरूप, श्री स्वामी जी का स्वरूप, पुष्टि संप्रदाय की मान्यता अनुसार जब दो स्वरूप प्रकट हुए, श्री कृष्ण ने दर्शन किए श्री राधा के, श्री राधा ने दर्शन किया श्री कृष्ण का, उसी समय दोनों एक दूसरे के स्वरूप को देखते हुए एक दूसरे के प्रति दैन्य भाव जागृत हुआ। श्री राधा जी बोली, आप मेरे स्वामी हैं, और भगवान बोले कि आप मेरी स्वामिनी हैं। प्रिया प्रीतम दोनों में जब दैन्य भाव का प्रादुर्भाव हुआ, तब उनके मुखारविंद से अष्टाक्षर महामंत्र प्रकट हो गया, श्री कृष्ण शरण मम, श्री कृष्ण शरण मम। भगवान ने कहा, हे श्री राधा, हे किशोरी, मैं कृष्ण तुम्हारा, तुम्हारे शरण में हूं। और श्री राधा ने कहा, हे प्रियतम, मैं प्रिया तुम्हारी शरण में हूं। जब दोनों के हृदय में ऐसा भाव उत्पन्न हुआ और दोनों के हृदय में तापाग्नि प्रकट हुई, एक दूसरे जब एक दूसरे से अलग हुए, क्योंकि एक अकेला ना संयोग का अनुभव कर सकता है ना विप्रयोग का अनुभव कर सकता है, इसलिए एक में से दो हुए। अब दोनों के अंदर दैन्य भाव जागृत हुआ, फिर से मिलन संयोग की इच्छा हुई, हृदय में जब दैन्य ताप भाव प्रकट हुआ, और वह ताप हृदय में जो प्रकट हुआ श्री स्वामी जी के मुखारविंद से जो अग्नि प्रकट हुई, और श्री आचार्य श्री ठाकुर जी के मुखारविंद से जो दैन्य विरह भाव प्रकट हुआ, वह दोनों विरह जब एकत्रित हुए, वह तृतीयात्मक स्वरूप यानी श्री महाप्रभु जी। बोलिए शिवल्लभाधीश की जय। वह श्री महाप्रभु जी का स्वरूप है। श्रीमद वृंदावनेन्दु प्रकटित रसिका आनंद संदोह रूप, स्फुर्जद रासाद लीला मृत जलधि भरा क्रांत सर्वोपि सश्वत, तस्यैवात्मानुभाव प्रकटन हृदय स्याज्ञया प्रादुरासिद भूमौ यः सन्मनुष्या कृतिरति करुणा स्तं प्रपद्ये हुताशं नाविर्भूयाद् भवांश्चेदधिधरणिदतं भूतनाथोदितासन् मार्गध्वान्तान्धतुल्या निगमपगततो देवसर्गेऽपि जातः घोषादीशं व्रजे मे कथमपि मनुजा प्राप्नुयुर्नैव देवी सृष्टिर्व्यर्था च भूयात् निजफलरहिताद्। जो श्री महाप्रभु जी का प्रागट्य न हुआ होता तो सृष्टि व्यर्थाच भूयात निज फल रहिता देव वैश्वा नरेशा। श्री गोसाई जी आज्ञा करते हैं वल्लभाष्टकम के अंतर्गत, वह जो अलौकिक अग्नि स्वरूप जो प्रकट हुए, और श्री वल्लभ ने हाथ जोड़ के आगे कि का आज्ञा है प्रभु, तो कि आप भूतल पे पधारो और जीवन को शरण में लो। जो पुष्टि जो जीव है उन जीवों का आप अंगीकार करें और पुष्टि मार्ग प्रकट करें। वो रास स्वरूप, वह रसात्मक स्वरूप प्रियजनों श्री महाप्रभु जी का है। अलौकिक अग्नि से रोम रोम रस जल के श्री वल्लभ, रोम रोम रस जल के महाप्रभु। श्री वल्लभाचार्य को केवल एक धोती ऊपर ना धारण किया हुआ कि साधारण पंडित न मानना। क्वचित पांडित्यम चेन्न निगम गति सापि यदि न यदि स्याद,
क्रिया सा सापी सिया यदि सोपिशी हरि व्रजपति रति ने तिनखिले गुण्य रण्य को वा विलसति बिना वल्लभ वरम। इन सब आप ग्रंथों में जब आप देखें तो तब गुरु के स्वरूप का ज्ञान होता है। पंडित हैं तो बहुत हैं समाज में, जगत में बहुत पंडित दिखाई देते हैं, न निगम गति, लेकिन उन पंडितों की गति निगम तक नहीं, यानी वेद को नहीं समझ पाते। कई लोग वेद को समझ भी लें लेकिन वेद के अनुसार क्रिया सासापिस्याद उनके अनुसार क्रिया नहीं कर पाते, जिसमें वेद ने जो कहा हुआ है उसका। कई लोग ऐसे हैं जो वेद को जानते हैं, शास्त्र पुराणों को जानते हैं, उनके अनुसार कर्म भी करते हैं, लेकिन हरि के मार्ग का उनको परिचय नहीं होता, भक्ति मार्ग का उनको परिचय नहीं होता। बस ज्ञान वैराग्य गुण निर्गुण सगुण बस इन सब में निराकारों में पड़े रहते हैं। कई ऐसे हैं जो शास्त्र पुराणों को जानते हैं, वेदों को जानते हैं, उस अनुसार कर्म भी करते हैं, हरि भक्ति को भी जानते हैं, लेकिन व्रजपति रति ने इति निखिलई, लेकिन ब्रज के अधिपति श्री कृष्ण की रति को तो वो भी नहीं जान सकते। ऐसे सकल गुणे ही रन्य को वा विलसति बिना वल्लभ वरम, ऐसे सकल गुण युक्त कौन है, तो वो केवल और केवल श्री वल्लभाचार्य जी है। बोलिए श्री वल्लभाधीश की जय। ब्रज के अलौकिक जो कृष्ण है उनकी अलौकिक रति, क्योंकि वही प्रेम के स्वरूप में से आपका प्रागट्य हुआ है। प्रेम हरि को रूप है, जो हरि प्रेम स्वरूप, एक होए द्वय में लसे ज्यो सूरज और धूप। क्योंकि आप उन्हीं के स्वरूप में से प्रकट हुए हैं, श्री कृष्णास्यम। और वो श्री महाप्रभु जी पृथ्वी पे पुष्टि जो देवी जीव है, क्योंकि ठाकुर जी ने ही अपनी इच्छा से प्रवाही जीवों को प्रकट किया, मर्यादा जीवों को भी प्रकट किया, पुष्टि जीव भी प्रकट है। प्रवाही जीव का काम बस भोगों में विषयों को भोग कर फिर पुनरपि जननम पुनरपि मरणम उसमें लगा हुआ रहता है। मर्यादी जीव जो शास्त्र वेदोक्त कर्म आदि का जो अनुसरण करता है, अनुकरण करता है। और पुष्टि जीव जिसको सेवा में ज्यादा रुचि होती है, कृष्ण सेवा में ज्यादा रुचि हो, सत्संग में ज्यादा रुचि हो, वो सब पुष्टि जीव है। भगवत रूप सेवार्थम तद सृष्टि नान्यथा भवेत। और ऐसे जीवों को अंगीकार करने के लिए आचार्य चरण का प्रागट्य हुआ है। तो यहां ये पंच अध्याय अंतर्गत जो श्री ठाकुर जी के अलौकिक रसों का जहां समूह एकत्रित हुआ, और वह समूह में आपने अपना ही स्वयं रस पधराकर जहां उस रस का आप स्वयं अभिव्यक्ति कर रहे हैं, उसी का नाम प्रियजनों रास है। आचार्य चरण कारिका में आज्ञा कर रहे हैं, ब्रह्मानंदात समृद्धित्य भजनानंद योजने लीलाया युज्यते सम्यक् सातुर्ये विनिरूप्यते। ये रासलीला किस लिए किए? ब्रह्मानंद के सुखानुभव में से निकालकर भजनानंद का आनंद भक्तों को देने के लिए आपने ये रासलीला की है। भजनानंद यानी भज सेवायाम, भज धातु है सेवा के अर्थ में, सेवा के माध्यम से जो आनंद मिलता है उसको भजनानंद कहा जाता है। इसलिए यहाँ पे 5 अध्याय बताए गए, 5 प्रकार की रमण आत्मा से मन से प्राण से इंद्रियों से और शरीर से भगवान ने उन भक्तों के साथ किया, इसलिए रास पंचाध्याय। पंचाध्याय इसलिए भी कहा जाता है कि इन अध्यायों में भगवान ने कामदेव पर विजय प्राप्त की है। कामदेव के अंदर रहा हुआ अभिमान को दूर करने के लिए आपने ये रास लीला की है। कामदेव से कहा, चल तू मेरे मन को विचलित करके बता, किले का युद्ध करेगा कि मैदान का युद्ध करेगा? कि किले का युद्ध क्या है? कि किला यानी एक भवन में मैं बैठ जाऊं, उसमें मेरे ध्यान की मुद्रा में, उस समय तू मेरे मन को विचलित करके बता। और मैदान का युद्ध तो के वृंदावन में कई गोपियों के बीच में मैं रास विहार करूंगा, उस समय तू मेरे मन को विचलित करके बता, बता कौन सा युद्ध करना है। तो वो कहता है, प्रभु आप किले का नहीं, अपन तो ये मैदान वाला ही ठीक रहेगा। तो कामदेव के साथ किया हुआ युद्ध
ये रास लीला है। इस लीला में प्रियजनों रंचक भी कहीं काम वासना नहीं है, क्योंकि इसकी फलश्रुति बताई गई है कि इस रास पंचाध्याय का श्रवण जो करता है, नित्य पारायण करता है, उसके हृदय में रहा हुआ जो काम रूपी रोग है उसकी निवृत्ति हो जाती है। यानी ये तो श्री ठाकुर जी की अलौकिक लीला है आनंद की अभिव्यक्ति करने के लिए। और तो और ये गोपियां भी कोई साधारण देहधारी स्त्रियां थोड़ी हैं, ये श्रुति रूपा गोपीजन है, ये ऋषि रूपा है, जिनके साथ श्री ठाकुर जी ने रमण किया। ये तो दंडकारण्य के जो ऋषि मुनि थे जिनने श्री रामचंद्र जी के दर्शन किए, इतना सुंदर श्री प्रभु का स्वरूप देखकर उनमें माधुर्य भाव इनके अंदर जागृत हो गया, उन ऋषियों के अंदर। तब श्री रामचंद्र जी ने कहा, इस बार तो तुम्हारे ये कार्य मनोरथ सिद्ध नहीं होंगे, अगली बार तुम ब्रज में गोपी बन के प्रकट होगे और वह उस समय तुम्हारे मनोरथ पूरे करेंगे। तो जो श्री रामचंद्र जी ने आपने उनको वरदान दिया कि अगली बार देखिए, जब प्रभु श्री राम के दर्शन किए तो उनके ऋषियों के अंदर स्त्री भाव जागृत हुआ, जब ये आगे पधार गए प्रभु तो वापिस पू भाव जागृत हो गया। आचार्य श्री वल्लभ आज्ञा कर रहे हैं कि उन ऋषि मुनियों के पू भाव और स्त्री भाव रूप में दोनों स्वरूप से यहां पे भक्त प्रकट हुए हैं। यानी जो चीरहरण के समय में जब ठाकुर जी घाट पे पधारे, चीर घाट पर, वहां पे आप उन वस्त्रों का हरण करने के लिए अकेले नहीं गए, सखाओं को साथ में लेकर गए हैं। वहां पे वह कुमारिकाएं स्नान कर रहे थे उस समय भगवान अकेले नहीं, सखाओं को लेकर पधारे। वो सखा कौन से हैं? तो कि वही ऋषि मुनि के पू भाव स्वरूप वो सखा हैं जो ठाकुर जी के संग में गए, और स्त्री भाव स्वरूप वो जो कुमारिकाएं जो स्नान कर रही हैं। ये सबके अलौकिक प्रियजनों ये भाव है, ये ऋषि रूपा गोपीजन है, ये वेद की रुचाएं हैं। जहां वेद भी ब्रह्म के स्वरूप को नहीं जान पाता, नेति 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 न इति न इति, उस ब्रह्म का वर्णन नहीं, क्षर अक्षर ब्रह्म तक पहुंच पाता है, पूर्ण ब्रह्म तक वो भी नहीं पहुंच पाता। तो ये वेद की रुचाएं गोपीजन बनकर यहां पे प्रकट हुई है। ये कोई साधारण नहीं, ये यज्ञ कुमारिकाएं यज्ञों में से प्रकट हुई हैं, जिनको श्री नंदराय जी लेकर आए हैं गौड़ प्रदेश से। जब यज्ञ हो रहा था वहां पे कुछ कार्य से आप गए थे, तो वहां यज्ञ के दर्शन करने के लिए जब आप पधारे तो उस यज्ञ में से हजारों कन्याएं प्रकट हुई थी वेदों के मंत्र से, यज्ञ में से। और इतनी अलौकिक कन्याएं, इतनी सुंदर, इतनी अलौकिक तेजोमय। और उस समय उन ऋषियों ने उस समय के ये स्त्रियों को कौन स्वीकार करे, तब भगवान ने कहा समय आएगा इन कन्याओं का स्वीकार होगा। नंदराय जी आए और नंदराय जी इन कन्याओं को, सुंदर कन्याओं को आप ब्रज में ले गए, क्योंकि वहां पे कंस के, वहां पे मथुरा में, वहां पे देंगे कि सेवा करने के लिए। वहां पे प्राचीन समय की बात है, इस प्रकार से होता था क्रम। तो ये नंदराय जी के यहां पर उनकी सेवा कर रही हैं, यानी ये वेदों में से, यज्ञ में से प्रकट हुई है। ये कोई स्त्रियां प्रियजनों साधारण देहधारी, इनको लौकिक स्त्री न मानना। इसलिए तो ये वेणु गीत, गोपी गीत के अंदर कई जगह पर श्री ठाकुर जी को केवल यशोदा का बालक नहीं अपितु देव की पुत्र कहकर संबोधित करती है। या देव की सुत पुजाम्बुज बुद्ध लक्ष्मी, वो कहती है तुम यशोदा के नहीं, तुम तो देव की पुत्र हो। क्योंकि ये नंद यशोदा जी के यहाँ पे रही, ठाकुर जी नंदराय जी को बाबा कहते, मैया कहते, और ये कन्याएं भी वहीं पे बड़ी हुई, तो ये भी उनको बाबा और मैया कहती। अब ये इनको कृष्ण में तो पति भाव है, अब यशोदा नंदन कहें तो फिर भाई बहन का संबंध स्थापित हो जाए, रसाभास हो जाए। तो क्या कहती है, देव की पुत्र। ये सब भाव हमारे आचार्य श्री वल्लभ श्री सुबोधनी जी में बताते हैं। यानी ये जो कुमारिकाएं ऋषि रूपा श्रुति रूपा, ये देह धारण करके भगवान के अलौकिक रस स्वरूप का, रसो वैसह, वह रस के स्वरूप का अनुभव करने के लिए यह गोपी रूप से प्रकट हुई है। क्योंकि कृष्ण का रस जानने के लिए गोपी भाव आवश्यक है।
पुरुष तो केवल वो एक ही है प्रियजनों, जब तक हमारे अंदर गोपी भाव न आए तब तक कृष्ण रस का जीव अनुभव कर ही नहीं सकता है। और गोपी भाव का मतलब यानी गो यानी इंद्रिय, पी यानी पीना, जो अपनी समस्त इंद्रियों से कृष्ण रस का पान करे वो गोपी। आंखों को उनकी दर्शन के बिना चैन न पड़े, मन उनका ही चिंतन किया करे, हाथ उनकी सेवा में सदा तत्पर रहे, जिनकी समस्त इंद्रियां अपनी इंद्रियों से जो कृष्ण रस का पान करे वह गोपी है। सोई रस ना जो हरि गुण गावे, नयनन की जो यह चपलता, नैनों की सार्थकता कैसे उनके दर्शन में। नयनन ही मैं राख पिया तो है, नयनन ही पिया तो है नैनन ही मेरा को, एक एक इंद्रियों से कृष्ण रस का पान करे वह गोपी। तो यहां इस रास पंचाध्याय के अंतर्गत भगवान ने उन भक्तों को अपने रस का आनंद प्रदान करने के लिए मन बनाया। श्री सुखदेव जी कहते हैं, भगवान पिता रात्रि ही शरदोत्फुल्ल मल्लिका, विक्षरन्तु मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रितः, तडोडुराजः ककुभकरे मुखं प्राच्या विलिम्पन्तरुणेन शन्तमयि, सचर्षणीनाम् उद्गाच्छुचो मृजन् प्रियः प्रियाय इव दीर्घदर्शन। भगवान ने रास का मन बनाया और मन का स्वामी चंद्र है, इसलिए आपने अलौकिक चंद्र को प्रकट किया। जहां से अलौकिक चंद्रमा प्रकट हुआ वह सरोवर चंद्र सरोवर, जहां ब्रज में हम जाते हैं आज भी, जो आदि वृंदावन है, जिस सरोवर में से भगवान का अलौकिक मन, क्योंकि मन का स्वामी चंद्र है। अब भक्तों ने तो कब से मनोरथ बना के रखे थे, लेकिन जब तक भगवान मन नहीं बनावे तो भक्तों के मनोरथ कैसे पूरे हों। इसलिए भगवान पिता रात्रि, भगवान ने भी मन बनाया, तड़ोड़ राजा ककुव करैर मुखम प्राच्या विलिम्पन् तरुणेन शतमयि, अलौकिक चंद्रमा को आपने प्रकट किया। वृंदावन में अर्धरात्रि के समय में आप विहार कर रहे हैं, ऐसा अलौकिक वृंदावन। और उस वृंदावन में जहां आलंबन गोपी हैं और उद्दीपन वृंदावन है, और स्वयं रस रसराज श्री कृष्ण है, इस प्रकार रस को जागृत करने वाली सर्व सामग्री तैयार भगवान ने रमण के लिए आपने स्वतः कर दी। वृंदावन में पधारे, अपने अधरों पर दिव्य वेणु पधराया, और नेत्र बंद करके जिन जिन गोपियों को आपने स्मरण किया, जिन जिन गोपियों को नाम ले लेकर आप पुकार रहे हैं, उन गोपियों ने अपने घर में वह वेणुनाद को सुना। भगवान के उस वेणुनाद में केवल नाद नहीं है, भगवान जो वेणुनाद करते हैं वह गीत कहलाता है, क्योंकि गीत में शब्द भी होते हैं और नाद भी होता है। यानी भगवान जो वेणुनाद कर रहे हैं उसमें नाद भी है और शब्द भी है, यानी एक एक गोपियों के अंदर काम बीज स्थापित करते हुए एक एक गोपियों के नाम पुकार रहे हैं आप, और जिन जिन गोपियों के नाम आपने पुकारे उन गोपियों ने अपने घर में उस रात्रि में वह वेणुनाद का श्रवण किया। और जहां वेणुनाद सुना, वह वेणुनाद सुनकर इतनी आनंद में गोपियां आ गई कि प्रभु आज वो रात्रि आ गई, प्रभु ने हमको पुकारा है। ललित त्रिभंगी स्वरूप धारण करके यहां से मुखारविंद टेढ़ा किया, यहां से कमर टेढ़ी करी, यहां चरणों पे आंटी लगाई, आनंद सिंधु भरो हरि तन में,
जो आनंद सिंधु रस भरा हुआ है, जब उसको आप रस को अन्य किसी में पधराना होता है, तब भगवान ये ललित त्रिभंगी स्वरूप से बन जाते हैं, यानी तीन जगह से टेढ़े। जिस प्रकार से घड़े में से रस को बाहर निकालने के लिए घड़ा को टेढ़ा करना पड़ता है, तो इसलिए ये तीन जगह से टेढ़े हैं। सुंदर वेणुनाद किया, वह वेणुनाद गोपियों ने अपने घर में सुना और वह नाद सुनकर ऐसी गोपियों की स्थिति बन गई। को ज्यो नार करत को बैठी, को ठाड़ी है धाम, को ज्यो नार करत को बैठी, को ठाड़ी किसी लिख का।
वेणु सुनकर चित्र किसी हो गई, यानी चित्र कैसा स्थिर हो जाता है, ऐसी गोपियों की स्थिति ऐसी स्थिर। मानो चित्र किसी Yeah.
रम्य गीतौ ददरङ्गवर्धनौ व्रज स्त्रियः कृष्ण गृहीत मानसा आजग्मुरन्यो न यमलोक्षितोद्यमा स यत्र कान्तो जवलो कुण्डला निशम्य गीतं तदनग्मवर्धनम् व्रजस्त्रियः कृष्ण गृहीत मानसः निशम्य गीतं गोपियों ने जो गीत सुना वह केवल ध्वनि नहीं उसमें शब्द हैं गीत में शब्द होता है एक एक गोपियों को नाम ले लेकर आपने पुकारा वह मुरली कैसी थी उसकी ध्वनि तदनंग वर्धनम कृष्ण मिलन कामना को बढ़ाने वाली थी गोपियों के हृदय में कृष्ण मिलन की कामना जागृत हो चुकी थी जिसके उद्दीपन करने के लिए भगवान ने यह मुरली में गीत गाया वह भगवान का नाद जड़ को चेतन और चेतन को जड़ बनाने वाला एक बार तो एक गोपी ने कही मैया ने एक तेरे लाला को कहे कि जब ये संध्या के समय जब हम ये वारू ये रसोई बनाए हुए को समय हो तो वह समय बंसी नहीं बजावे कि क्यों कि तेरो लाला ये बंसी बजावे और हम यहाँ पे रसोई करवे के लिए अंगीठी प्रज्वलित करवे की कोशिश करें तो वहां तो लकड़ी में से रस द्रवित हो जाए अब तू के हम सामग्री कैसे सिद्ध करें जड़ को चेतन चेतन को जड़ बनावे वाला ठाकुर जी वेणुनाथ करे ना तो वहां के प्रायो बतांग मुनयो वेणु गीत में कहा कि ये जो वृक्ष के पशु पंखी जो हैं ये कोई पंखी भी कोई साधारण पक्षी नहीं है ये मुनि हैं और उन मुनियों ने कितने ही जन्म तपस्या करी भगवान ने कृपा करी तो वृक्ष में ये ब्रज में ये इनको वृक्ष की योनि मिली या पंखी की योनि मिली कि ठाकुर जी वेणुनाद करते हैं तो एक मुनि के भांत तो बैठ कर उसका श्रवण करते हैं जड़ को चेतन चेतन को जड़ बनाने वाला और गोपी चित्र किसी हो गई मानो चित्र किसी लिख काढ़ी जहां इन कुमारिकाओं ने सुना सर्वप्रथम गौड़ देश की जो कुमारिकाएं थी वह सब वहां पे आ पहुंची और कई गोपियों को उनके घर में उनके पतियों के द्वारा जब रोकने में आया तो ऐसी गोपियों ने अंतर ग्रह गता काश्चित गोप्या लब्धा विनिर्गमाहा कृष्णम तद भावना युक्ता दधुर्मेलित लोचनाहा उनको जब रोकने में आया जाने के लिए तो कृष्णम तद भावना युक्त कृष्ण की भावना से संयुक्त होकर दधिर मिलित लोचना अपने नेत्रों को बंद कर लिया वह आंख बंद करके भगवान के रूप सौंदर्य का ध्यान करने लग गई दुस्सह पृष्ठ विरह तीव्रताप द्युतशुभा ध्यान प्राप्त चिताश्लेष निवृत्त्या क्षण मंगला ध्यान करके प्रभु का चिंतन करने लग गई हे श्री प्रिय कृष्ण विरह के अति ताप हो जाने के कारण गोपियों के अशुभ पाप धुल गए आचार्य चरण टीका में आज्ञा करते हैं कि कोटि ब्रह्म कल्पेशु कुंभिपाक आदि नरकेशु यावत दुख भवे तावत दुखम भगवत विरह क्षण मात्र न जातम जब जीव के अंदर एक क्षण मात्र भी भगवत विरह विप्रयोग का जीव जब अनुभव कर लेता है तो कुंभिपाक कोटि ब्रह्म कल्पेशु कुंभिपाक आदि कितने ही कुंभिपाक आदि नरकों में जो कर्म भोगने के लिए उसमें जाना पड़ता है लेकिन अनेक कल्पों के कुंभिपाक आदि नरकों के यातना उस दुखों की निवृत्ति उन पापों की निवृत्ति कब हो जाती है जब जीव के अंदर भगवद मिलन की तीव्र उत्कंठा जाग उठती है एक क्षण मात्र भी विरह हो जाए तो अनंत पापों को नष्ट करने वाला है गोपियों के अंदर ये जो विरह जागृत हुआ जिससे उनके अशुभ पाप कर्म सब नष्ट हो गए और
ध्यान प्राप्त चुताश्लेषः, अच्युत का श्री कृष्ण का आलिंगन प्राप्त किया, जिसके द्वारा उनके सुख भी उन्होंने भोग लिए, यानी उनके क्षीण मंगल हो गए। तो जब इन गोपियों के सर्व पापों का क्षय हुआ, जब वह गोपी ध्यानस्थ हुई, तब भगवत आलिंगन उन्हें प्राप्त हुआ, जिससे उनके पुण्य कर्म भी क्षीण हो गए और उन गोपियों के गुणमयी देह का भी नाश हो गया, तब अविद्या का भी जब क्षय हो गया, इस प्रकार से उन गोपियों को घर में ही सायुज्य मुक्ति की प्राप्ति हो गई। घर में ही सायुज्य मुक्ति मिल गई। परीक्षित जी बात सुन उसको पचा न सके, कहने लगे, महाराज कृष्णम बिंदु परम कांतम न तु ब्रह्मतया मुने गुणि प्रवाहो परमस्तासाम गुण धियाम कथम। हे महा मुने, ये गोपियों में भगवान में प्रियतम भाव है, ब्रह्म भाव है नहीं, तो इस प्रकार से गोपियों की दृष्टि तो प्राकृत दिखाई देती है। ऐसी स्थितियों में गोपियां, उनको मुक्ति की प्राप्ति कैसे हो गई? क्योंकि मर्यादा मार्ग की दृष्टि से ज्ञान से मुक्ति मिलती है और पुष्टि मार्ग की दृष्टि से ज्ञान और भक्ति दोनों से मुक्ति मिलती है। तो इन गोपियों में तो न ज्ञान दिखाई दे रहा है, न ऐसी भक्ति दिखाई दे रही है, ये तो भगवान में जार भाव से प्रेम करती हैं। तो ऐसी स्थिति में इन गोपियों को मुक्ति की प्राप्ति कैसे हुई? परीक्षित जी समझ नहीं पाए, शायद मुक्ति मिल गई। सुखदेव जी कहते हैं, राजन कामं क्रोधं भयं क्षेस्नेहं एक्यं सोरदमेव वा नित्यं हरो विदधतो यान्ता यान्ति तन्मयतां हिते। सुखदेव जी कहते हैं, राजन जैसे मुक्ति के लिए शास्त्र में ज्ञान और भक्ति ये दो साधन बताए गए हैं, उसी प्रकार से भगवत स्वरूप एवं उनका चिंतन भी निस्साधन दिनात्मा जीवों के लिए साधन रूप कहा गया है। अतः भगवान को कैसे भी बजा जाए, हमारा चित्त भगवान में लगना चाहिए। भले ही हम काम से, क्रोध से, स्नेह से, भय से, सौहार्द के भावों से, किसी भी भाव से उन्हें क्यों ना भजें। परीक्षित जी कहते हैं, अरे राजन शिशुपाल जो भगवान को द्वेष करता था, अंत में वह भगवान को प्राप्ति हुई, मुक्ति मिल गई, तो ये गोपियां तो भगवान में प्रेम करती हैं, तो इनको मुक्ति मिल गई, इसमें क्या आश्चर्य है? इसमें क्यों तुम आश्चर्य कर रहे हो? भले उनका जार भाव था, लेकिन कैसे भी भाव से भगवान को भजो। सबसे उत्तम तो निष्काम भाव है, लेकिन जो कहीं हृदय में कामना भी आ जाए तो वह ठाकुर जी के आगे ही विनती करो, अन्य के आगे हाथ नहीं फैलाना, ये याद रखो प्रियजनों। बाकी तो सर्वोत्तम ये निष्काम भक्ति है, परंतु कहीं जीव स्वभाव से दुष्ट है और कहीं कुछ ऐसी विपत्ति आ जाए या कहीं कुछ बात आ जाए जिसको धैर्य की परीक्षा धैर्य जीव न रख सके, तो अन्याश्रय करो। इससे अच्छा तो अपने इष्ट, अपने श्री ठाकुर के आगे हाथ फैलाना, लेकिन अन्याश्रय कभी ना करना, ये बात को ध्यान में रखिए। तो कैसे भी भजा जाए कृष्ण को, बस चित उसमें लगना चाहिए। तमो रजह सत्व भेदा शांत पर्यवसानतः निरुप्येन स्त्रियस्तासु वाक्यानपि यथायेयम्। भगवान के यह वेणु गीत को सुनकर महद भाग्यशाली गोपियां वृंदावन में आ पहुंची। भगवान ने उनका स्वागत किया, स्वागतम वो महाभाग प्रिय किम करवाणी व ब्रजस्यानमयम कश्चित व्रतागमन कारणम, और द्वय अर्थात्मक वाक्यों का भी प्रयोग किया। तुम्हारा यहाँ पे आने का प्रयोजन क्या है? रजन्येक्षा घोर रूपा घोर सत्व निषेविता प्रतियाद ब्रजम ने हस्तम स्त्री भी सुमध्यमा। वापिस जाने की आज्ञा करी, और जैसे ही वापिस जाने की आज्ञा करी, गोपियां उदासीन हो गई, मुख नीचे की ओर झुका दिया, पैरों के नाखून से धरती को कुरेदने लगी। सुखदेव जी कहते हैं, जिस प्रकार से कमल भ्रमर के भार से झुक जाता है, ऐसे ही गोपियों का मुखमंडल नीचे की ओर झुक गया। सोचने लगी कि आज भी हमारे मनोरथ पूरे नहीं होंगे। गोपियों को विचार आया ठाकुर जी के द्वय अर्थात्मक वचन को सुनते हुए। एक ओर से स्वागत किया, एक ओर से उनको जाने की बात कही, यहां पे आने का तुम्हारा प्रयोजन क्या है? ब्रज में कोई आपत्ति विपत्ति आई हो तो कहो। जो रस का दान आप उनको देना चाहते हैं, उनकी दृढ़ता और सिद्ध करवाने के लिए, और जो रसमय गोपीजन हैं, जैसे एक
उदाहरण से समझे, किसी कोई पात्र में कोई वस्तु जब भरने में आती है और वस्तु थोड़ी सी शेष बच जाए तो फिर क्या करते हैं, उसमें जगह न हो पात्र में तो फिर क्या करें, थोड़ा सा हिलाते हैं। आप झार वगैरह हो, झार में कुछ भरें तो फिर क्या करें, थोड़ा हिलाएं तो थोड़ा सा और आ जाता है। तो ठाकुर जी और रस उनके अंदर पधराने के लिए ये थोड़े से ऐसे वचन कहे कि एक बार में गोपियां हिल गई, क्योंकि कई बार जो सहजता से मिल जाए जीव उसकी अवगणना कर देता है ना, ऐसा हो जाता है। और बड़े कष्ट के साथ मिले तो उसकी वैल्यू होती है। तो प्रभु ने इस प्रकार के वचन सुन गोपियां वह उदासीन हुई, वह निराश हुई। प्रभु ने उनको धर्मों का निरूपण किया, स्त्री धर्मों का निरूपण किया, और के घर में जाओ, घर में इनकी सेवा करो, पति की सेवा करो, पुत्र आदि की, ये तुम्हारा धर्म है। और तो और दुश्शिलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोग्य धनो पीवा पति स्त्री धर्मनत्ता व्या लोकसु भीरपात की। भगवान यो कहते हैं कि भी जैसा भी पति हो उसकी सेवा करो, पर देखो ये भगवान के वचन भी द्वय अर्थात्मक होते हैं, आचार्य चरण ही उनके भावों को समझ सकते हैं। इस माध्यम से भगवान ने बताया कि तुम वहां पे मत जाओ, यहीं पे रो, क्योंकि वो तुम्हारा पति, उसके अंदर तो 6 दोष हैं। महाप्रभु जी ने ये जो 6 विशेषण का जो प्रयोग किया है भगवान ने, उसका अर्थ प्रकट करते हुए कहते हैं कि भगवान में 6 गुण रहे हुए हैं और सांसारिक पतियों में 6 दोष रहे हुए हैं। इसलिए एक अर्थ तो ये हुआ कि तुम जाओ, और दूसरा अर्थ है कि नहीं, यहीं पे रहो, क्योंकि गुणवान तो हम हैं, वो दोषवान हैं, क्योंकि वो दुशीलो भी होता है, पति दुर्भाग्यशीन भी होता है, वृद्ध भी हो जाता है, जड़ भी होता है, उसके अंदर रोग भी आ जाते हैं, लेकिन वास्तविक सर्वगुण युक्त तो मैं ही हूं, और वास्तव में हम सबके पति श्री कृष्ण ही तो हैं। पालयति इति पति ही, जो पालन करे वो पति। भगवान के ऐसे वचनों को सुनकर गोपियां कहने लग गई, प्रभु आप जो ये धर्म का उपदेश दे रहे हो, ये धर्म तो आपके लिए ही हमें प्रेरित करते हैं, क्योंकि ऐसा ही तो कहा जाता है कि भाई धर्म का ये सब पालन करोगे तो भगवान प्रसन्न होंगे, भगवान दर्शन देंगे, भगवान कृपा करेंगे। तो प्रभु धर्म का फल धर्मी होता है, और धर्मी स्वरूप आप सामने विराजमान हो तो फिर हमें कौन से धर्म के लिए भेज रहे हो। जो धर्म धर्मी से दूर ले जाए वो धर्म धर्म ही नहीं है, धर्म वही धर्म है कि जो धर्मी के निकट ले जाए। पति पुत्र परिवार गृहस्थ ये सब धर्म है, लेकिन वो जो घर परिवार पति धर्म भी धर्म में आवरण रूप हो जाए, भगवत सेवा में बाधक रूप हो जाए, तो उनके साथ रहना वो भी अधर्म है, ये शास्त्र कहता है, शास्त्रोक्त वचन है। हाँ, आपको धर्म के लिए प्रेरित करे, आपको धर्म और जोड़े, खुद न करे तो आपको भी सामने से आगे बढ़े, चलो भाई मैं नहीं पहुंच पा रहा तो तू कर। लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जो खुद भी न करे और दूसरों को भी न करने दें, तो फिर उनके साथ का संबंध वो धर्मयुक्त संबंध कहां हुआ? क्योंकि धर्मयुक्त संबंध तो वो है जो धर्मी की ओर ले जाए, और धर्मी यानी श्री कृष्ण, यानी हमारे जो परिवार सदस्य आदि प्रियजनों या कोई भी लोक देह धर्म वेद धर्म जो भगवत सेवा से दूर ले जाए तो वो धर्म धर्म नहीं है, वो आप अधर्म कर रहे हो। शांति की प्राप्ति धर्म से होती है। गोपियों की इस प्रकार के वचन सुनकर, क्योंकि आप ही हमारे बंधु आत्मा हैं प्रभु, हम आपकी शरण में हैं, गोपियों के अंदर दृढ़ता देखी, रास का प्रारंभ किया, लघु रास खेला, और रास में अलग अलग प्रकार से प्रभु ने उनको आनंद प्रदान किया। रास खेलते खेलते गोपियों के अंदर जब जीव भक्ति मार्ग में भी आगे बढ़ता है तो कई प्रकार की सिद्धियों की उसको प्राप्ति भी होती है, लेकिन जब उन सिद्धियों का जीव के अंदर अभिमान आ जाए तो वह पद भ्रष्ट हो जाता है, इसलिए दीनता आवश्यक है। तो इन गोपियों की भी ऐसी स्थिति, जो रस भगवान दान कर रहे थे, अब इन गोपियों के अंदर वह रसानंद का अनुभव करते करते ऐसा भाव जागृत हो गया कि हम कृष्ण को सुख पहुंचा पा रही हैं, हम उनको रस का दान दे रही हैं। जहां ये इस प्रकार का सौभाग्य का मद हुआ, गोपियों को दैन्य भाव सिद्ध कराने के लिए आप अंतरहित हो गए, यानी उनके अंतर में जाके ही छिप गए। जो उनको छोड़ के चले जाते तो गोपियों के तो वही प्राण निकल जाते,
ये मद आदि ये मन के दोष हैं, इसलिए आप उनके हृदय में जाके छिप गए। और फिर ये गोपियां विरह में जब प्रभु के कहीं साक्षात रूप से दर्शन न हुए, विरह की वेदना में संतप्त में तपती हुई गोपियों ने जो गीत गाया, उस गीत का नाम है गोपी गीत। वृक्षों से पूछा, लता पताओं से पूछा, और तो और ये पृथ्वी से पूछती हैं, धरती से पूछती हैं कि भाई तूने कहीं हमारे प्रभु को देखा, लेकिन किसी से प्रत्युत्तर न मिला। और फिर सभी गोपियों ने मंडल बनाया, यमुना जी के तट पर गई। अलग अलग प्रकार की गोपी हैं। 19 श्लोकों में गोपियों के हृदय से जो विरह ताप भाव जो प्रकट हुआ, वह जो गीत है वह गोपी गीत। जयति तेधिकं जन्मना व्रज श्रयत इंदिरा शश्वदत्र हि दैतदृश्यता दीक्षुतावता स्त्वयि द्रुता सव स्त्वां विचिन्वते ब्रजराज लड़ेते लाडिलेला तुम बीन रहयो न जाय गोवर्धन वासी सावरीला तुम बीन रहयो न जाय बंग कचिते मुस्काई के लाल सुंदर वरना दिखाए लोचन तल पे मीन जो लाल पल छीन कल्प विहाय हो सप्तक स्वर बंधान सो लाल मोहन वेणु बजाय सुरत सुहाई बांधि मधुर मधुर स्वर गाय हो दर्शन को नैना तपेलाल वचन सुनन को मिलवे को ही रात पेला जिय के जीवन प्राण ब्रजराज लड़े ते लाड़ी ले तुम बीन रहयो न जा धनवासी सावरे लाल तुम बीन रहयो न जा। अलग अलग प्रकार की प्रियजनों, सात्विक राजस तामस निर्गुण अपने अपने भाव के अनुसार प्रभु को पुकार रही हैं। ये जो गोपी गीत के अंतर्गत इसकी जो फलश्रुति, क्योंकि इतना तो समय नहीं है कि एक एक श्लोकों पर हम विस्तार कर सकें, लेकिन इन सब जो गोपियों ने जो भाव प्रकट किए, जो हृदय के आर्त भाव, उन भावों का जो सार है, जो हमें आचार्य चरण कारिका में समझाते हैं कि भगवत प्रसन्नता का जो कोई एकमात्र साधन हो तो हमारे हृदय में रहा हुआ भगवत मिलन का दिव्य दैन्य भाव आर्त भाव। नहीं साधन संपत्या हरि तुष्यति कश्यचित् भक्तानां दैन्यम एव हरि तोषण साधनम्। केवल और केवल भक्त के हृदय में रहा हुआ आर्त भाव से ही भगवान प्रसन्न होते हैं।
बाकी और कोई साधन नहीं। गोपियों ने कितने वन वन में भटके, वृक्षों से पूछा, वनस्पति से पूछा, अशोक पीपल तुलसी सबसे पूछ रही है, लेकिन किसी से प्रत्युत्तर न मिला। कितने ही साधन किए न प्रकट हुए, लेकिन अंत में रुरुदह सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। जब यमुना जी के तट पे जाकर ये गोपियां सुस्वर रोने लगी, कृष्ण दर्शन लालसा, यमुना जी को विनती करी, हे यमुना, हे सखे, हे सखी, तुमने कहा था, तुम्हारे आगे वचन दिया था, अब तो तुम ही हमारे साक्षी हो, उनसे हमें मिला दो। सखी रे मोहे मोहन लाल मिला दे, सखी मोहे मोहन लाल मिला दे, बिन कारण में मान की ओरी अपने ही कर्म दुख पावे, सखी मोहे मोहन लाल मिला दे। गोपियों का ये संतप्त भाव श्री यमुना जी से सहन न हुआ, और श्री यमुना जी तो इतनी कृपालु हैं, इतनी सहज हैं, प्रभु को विनती करी, हे प्रभु, अब ये गोपियों की और कितनी आप परीक्षा लेंगे, क्योंकि कई गोपियां तो मूर्छा खा के गिर पड़ी, जो मृत्यु के पहले की अवस्था है, कई के होठ सूख गए, शरीर पीला पड़ गया, कोई बेभान जैसी, किसी को भान, ये विरह की अलग अलग अवस्थाएं बताई गई है, जड़ी माँ जड़ हो जाना, कोई कार्य में रुचि नहीं रहे, क्या बोल रहे हैं सुनाई ना दे, कोई एक गोपी कृष्ण बन गई, एक एक पूतना बन गई, ऐसी तन्मय अवस्था में आ गई, जिनका वर्णन भीष्म जी ने अंतिम समय में किया। सोचो इन गोपियों के पवित्र भावों को, ललित गति विलास वल्गुहास, कृष्ण का चिंतन करती हुई जब ये गोपियां उनमें तन्मय बन गई, ऐसी ये गोपियां, ऐसी उनकी दशा देखकर श्री यमुना जी ने श्री ठाकुर जी को विनती की, और यमुना जी की विनती तो तुरंत आप स्वीकार करते हैं। जब गोपियों के हृदय में दैन्य भाव देखा और उन गोपियों के मंडल में आप प्रकट हो गए, दासा महावीर मुच्छुरु स्वयमान मुखाम्बुजः पीतांबर धरस्त्रग्वी साक्षात मन्मथ मन्मथः, साक्षात मन्मथ मन्मथः, मन्मथ मन्मथ, मन्मथ यानी कामदेव, और कामदेव को भी मोहित करके, यानी कामदेव को पराजित कर सुंदर विजय माला धारण कर उन गोपियों के मंडल में प्रकट हो गए ऐसे मदराधिपति, और उनको देखकर सभी गोपियां दौड़ पड़ी। कैसी स्थिति हो गई, कोई चटपट होकर लपटी, को उरवर लपटी, को गले लपटी, कहत है भले जू भले कानर कपटी, को नागर नगधर की जाती रही दौड़ कर पटकी, जानो नवघन से झटकी दामिनी दामिनी अटकी, को वो चटपट होकर लपटी, को वो रवर लपटी। ठाकुर जी को देखकर बड़े कष्ट से जो मिले उसको मिलन का एक अलग आनंद होता है, और उन प्रभु को देखकर ये गोपियां इतनी आनंदित हो गई, प्रभु को घेर लिया। और अब सुखदेव जी कहते हैं, राजन, उन गोपियों के साथ श्री ठाकुर जी ने मंडल बनाया और रस शास्त्र के अनुसार अलग अलग प्रकार से गोपियों को आनंद प्रदान किया, महारास प्रदान किया, महारास हुआ। आइए प्रियजनों, महारास का आनंद लेते हुए, उन भावों को हृदय में धारण करते हुए आज की हमारी कथा यात्रा को भी पूर्णाहुति की ओर ले जाएंगे। अन्य चरित्रों के लीलाओं के कल पूर्णाहुति के दिन संक्षिप्त में दर्शन करेंगे। आज पूज्य श्रीयों के वचनामृत भी हमें श्रवण करने हैं, तो उसके पहले आइए थोड़ी देर रास का आनंद लेते हुए कथा को विराम दें। ऐसो रास रचो ब्रह्मेरा वे रही पायल की जनकार, ऐसो रास रचो वृंदावन वे रही पायल की जनकार, वह रही पायल की जनकार, सो रास रचो वृंदावन वह रही पायल की जनकार।
पायल की जनका। पायल की जनकार सो रास रचो वन रावण वे रही
चमकदा दुर्गय डमकत महगत मोर मलार गिरालार गिरा तव पियु पियु शबद पुकारत चातक कियु कियु कोकिल कंठ गिरा तव कड़ाड़ कड़ाड़ नम होत कड़ाका श्वल्लभादेश की जय श्री हरि लाल की वृंदावन बिहारी लाल की गिरिराज चरण की जय श्री गोपाल लाल प्यारे की जय। अभी आपने महारास का आनंद लिया। बंधुओं, अष्ट सखाओं के दर्शन तो आपने नहीं किए, लेकिन ये हमारे कीर्तनिया भी आपको अष्ट सखाओं की अनुभूति तो दिला ही रहे हैं। ठाकुर जी का 28 तारीख को कुनवाड़ा है और 28 तारीख को ही पाठोत्सव श्री ठाकुर जी का पिछले वर्ष सप्तमी के रोज यहाँ पर संपन्न हुआ था। पूज्य आचार्य चरण हमारे मध्य में विराजमान हैं। पूज्य गोस्वामी श्रीमद् श्री दामोदर लाल जी महाराजाधिराज, परम श्रद्धेय गोस्वामी श्री हरिराय जी महोदय एवं परम श्रद्धेय गोस्वामी श्री दर्शन कुमार जी महाराज, दर्शन कुमार जी महोदय श्री क्षमा करें, और समस्त वल्लभ कुल परिवार यहाँ पर विराजमान थे। और आप सभी ने उस वक्त जो आनंद की अनुभूति की, ये आप ही जान सकते हैं, इसका वर्णन नहीं कर सकते। ऐसे अद्वितीय क्षण थे और वही क्षण आज आपको वही आनंद की अनुभूति आज हो रही है। बंधुओं, ये इन आचार्य चरणों की महद कृपा आप पर है कि जो अनवरत बरस रही है और बरसती रहेगी, केवल इस कृपा को संजोकर रखना ये आप लोगों के हाथ में है। क्योंकि प्रीतम प्रीत ही ते पहिए, जब तक प्रीत नहीं होगी तब तक प्रीतम नहीं मिलेंगे। इसलिए चोखी प्रीत ही में बसे, चोखी प्रीत अपने ही में बसा के रखना, ये आप लोगों का दायित्व है। तो सप्तमी 28 तारीख को प्रभु गोपाल प्रभु का पाठोत्सव की वर्षगांठ है और उस वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आप सभी को 10 बजे पलना के दर्शनों का आनंद मिलेगा और उसी के साथ सायंकाल कुनवाड़े के दर्शन हैं। अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। इसी के साथ मैं आप श्री के श्री चरणों में निवेदन करूंगा। हमारे समक्ष विराजमान हैं गोस्वामी श्री दामोदर लाल जी महाराज अधिराज। इन्हीं शब्दों के साथ विनती करूंगा कि दर्शन करता हूँ सिखा का तो लगते श्री गोकुलनाथ, मुखारविंद की छवि मानो श्री विट्ठलनाथ, और हृदय में आपके प्रभु गिरधर क्रीड़ा करते हैं। क्या वर्णन करूँ प्रभु आपका, आप तो मुझे साक्षात श्री वल्लभ लगते हैं, आप तो मुझे साक्षात श्री वल्लभ लगते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आपके श्री चरणों में विनती कृपानाथ।
बोलो श्री गोपाल लाल प्यारे की जय, श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गोसाई जी परम दयाल की जय, श्याम सुंदर श्री अमने महारानी की जय, श्री गिरिराज धरण की जय, समस्त ब्रजमंडल की जय, गौ माता की जय, श्री पुरुषोत्तम लाल जी महाराज की जय, श्री गोविंद लाल जी महाराज की जय। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेन्दुम् तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततोऽञ्जयमुज्जीर्ये। नमो भगवते तस्मै कृष्णायाद्भुतकर्मणे रूपनामविभेदेन जगत्क्रीडति यो यत निस्साधनजनोद्धार करण प्रकटीकृतः गोकुलेश स्वरूपः श्रीवल्लभ शरणं मम। पुष्टिमार्गीय सर्वज्ञः करुणारसपूरितः श्रेष्ठ फल प्रदाता च तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। उपस्थित मंचासीन युवा आचार्य चिरायुष्यमान हमारे हरि बाबा, व्यासासन पर शोभायमान चिरायुष्यमान चिरंजीत दर्शन बाबा गोर्धनेश जी, इस भगवत कथा के मुख्य मनोरथी समस्त परिवार, विद्वद्वृंद, प्रचार कार्य में सक्रिय ऐसे हमारे गोकुलचंद जी, कीर्तनिया मंडली और श्रीमद् भागवत कथा रस का रसपान करने आए हुए सभी वल्लभ चरणानुरागी वल्लभीय वैष्णव वृंद, आज की कथा श्रीमद् भागवत यानी भगवान का वांग्मय स्वरूप और उसमें भी दसम स्कंध यानी भगवान श्रीनाथ जी का हृदय, हृदय के भी दो भाग, एक पूर्वार्ध एक उत्तरार्ध। अभी हम पूर्वार्ध की कथा में जो हृदय और हृदय की जो धड़कन है उसको कहा जाता है रास पंचाध्यायी। कई बातें जीवन में ऐसी होती हैं कि वो सदा के लिए याद करने योग्य होती हैं और कई बात जीवन में ऐसी होती है उसको याद करनी, उसको लेट गो, भूल जाओ। ये श्रीमद् भागवत हमारे श्रीमद् वल्लभाचार्य महाप्रभु जी ने यही श्रीमद् भागवत के
गूढ़ अर्थों को सुबोधनी आदि ग्रंथों में प्रकट करके बताया और उसी बात को आपके द्वितीय आत्मज श्री विट्ठलनाथ जी श्री गोसाई जी ने आपके अलौकिक दिव्य नामों का वर्णन करते हुए आपका सातवां नाम बताया, श्री भागवत गूढ़ार्थ प्रकाशन परायणाय नमः। अर्थात श्रीमद् भागवत जी के गूढ़ अर्थों को प्रकट करने में परायण ऐसे हमारे श्रीमद् वल्लभाचार्य महाप्रभु जी हैं। भागवत की कथा में अनेक वक्ता अनेक विषयों पर ले जाते हैं, दूसरे दूसरी बातें करके मूल विषय को छोड़ देते हैं, ये सब जान के हमको दुख होता है। लेकिन हमारे चिरंजीव दर्शन बाबा फालतू बातें न करते हुए मूल सिद्धांत और सुबोधिनी की कथा आपको सुनाते हैं, ये सुन करके हमको देख करके मैं बहुत प्रसन्नता होती है। श्री भागवत गूढ़ार्थ प्रकाशन सात सात रीत से इसका मंथन किया है, शास्त्रार्थ प्रकरणार्थ पदार्थ अक्षरार्थ शब्दार्थ। ये गूढ़ का अर्थ होता है सरलता से समझने में नहीं आए, इसलिए गूढ़। जो सरलता से समझने में आ जाए तो उसको कहते हैं सरलार्थ, सरल नहीं है। सूत्रात्मक महाप्रभु जी की वाणी है, हर कोई इस बात को समझ नहीं सकता है। कई वैष्णव हमारे पास आते हैं, कृपानाथ हम भागवत पढ़ते हैं सुबोधिनी पढ़ते हैं लेकिन समझने में नहीं आती, कहाँ से आएगी? जिस ताले की जो चाबी हो उसी में लगाओगे तो ताला खुलेगा, और चाबी कौन सी है और ताला कौन सा उसमें लगाओगे तो कहां से ताला खुले। तो भागवत जी को समझना है, भागवत जी के गूढ़ अर्थों को समझना है तो हमें श्री महाप्रभु जी के अलौकिक दिव्य नामों का सतत जप और पाठ करना चाहिए। पुष्टि भक्ति मार्ग में मुख्य दो ही बात अपन को बताते हैं, जप और पाठ, सेवा सत्संग स्मरण, ये दो दो बातें ये बताते हैं कि जप और पाठ का नियम लेना चाहिए। जप यानी तुलसी की माला पे हम एक एक मनका के ऊपर अष्टाक्षर अथवा पंचाक्षर का स्मरण करते हैं, और जब 108 पूरा होता है तो उसको उल्लंघन नहीं करते, वापस उसको घुमा लेते हैं और बीच में 109वां जो सुमेरु है उसको आँखों पर नेत्रों पर हृदय में लगा करके उसको प्रणाम करते हैं कि आज श्री वल्लभ की कृपा से एक जप की माला में कर सका, नहीं तो आज एकाग्रता कहाँ है। मुख में तो और कुछ और हाथ में गौमुखी, तो आज ये प्रदर्शन का विषय नहीं है। वल्लभ संप्रदाय में पुष्टि मार्ग वैष्णवों को प्रदर्शन नहीं करना चाहिए, यहां तो दर्शन करना चाहिए। हम आत्मा से परमात्मा को चाहते हैं, परमात्मा को स्मरण करते हैं, भगवान का स्मरण करते हैं इन गोपियों की तरह। गोपियों को भाव देखो, गोपियों का प्रेम देखो, इसलिए तो आचार्य चरण ग्रंथों में आज्ञा करते कौंडिन्यो गोपिका प्रोक्ता गुरुवत् साधनम च तत् गुरु। तो के पुष्टि भक्ति मार्ग के गुरु कौन हैं? तो के पुष्टि भक्ति मार्ग के गुरु जो हैं वो गोपीजन हैं। बोलो हाँ कि ना। गुरु है गु माने अंधकार, र माने प्रकाश, अज्ञान रूपी अंधकार में से ज्ञान रूपी प्रकाश में ले जाए उसको कहते हैं गुरु। जो हमको अंतर के पट खोल दे वो है गुरु, हमको हमारे स्वदोष दर्शन करा दे वो है गुरु, हमारा हृदय भाव प्रेम और भक्ति से भर दे ऐसी कृपा वर्षा में वो है गुरु। तो इस कार्यक्रम का नाम ही क्या रखा गया, आपने बैनर पढ़ा होगा, श्री गोपाल कृपा महोत्सव। पुष्टि मार्ग में श्री भी महत्व का है, गोपाल भी महत्व के हैं, और कृपा तो है ही महत्व की, कृपा बिना में तो कुछ भी नहीं होता है। और कृपा मांगने से नहीं मिलती है, नहीं साधन से मिलती है, कृपा मिलती है सेवा से। आप सेवा करते रहो,
आपकी कृपा है तो ठाकुर जी आपकी सेवा लेते रहेंगे, क्योंकि आपके कृपा के अंदर आपके हृदय में छुपा हुआ जो भाव है, जो प्रेम है, उस प्रेम का दर्शन ठाकुर जी करते हैं, उस प्रेम और भाव को देखते हैं, तो उस प्रेम और भाव को देख करके उनकी सेवा को आप स्वीकार करते हैं। ये श्री भागवत गूढ़ार्थ प्रकाशन परायण, अभी अभी अपन ने इंद्र याग की कथा श्रवण की। श्री आचार्य चरण आपसे आज्ञा करते हैं कि श्रीमद् भागवत जी दसवें स्कंद के 90 अध्याय हैं, परंतु उसमें 3 अध्याय प्रक्षिप्त हैं, 12, 13 और 14 क्षेपक हैं, क्योंकि आपने उस समय ब्रह्मस्तुति और इंद्रस्तुति का समन्वय किया है। क्योंकि ये ब्रह्मा जी 12, 13, 14 ब्रह्मस्तुति के, क्योंकि भागवत जी की 3 भाषा हैं, लोक भाषा, परमद भाषा और समाधि भाषा, तो समाधि भाषा प्रमाण है, लोक भाषा भी है और परमद भाषा भी है, तो और कोई कल्प में कोई भक्त ने ये कथा डाल लिखी होगी, अच्छी है, लेकिन आचार्य चरण आज्ञा करते हैं कि ये इंद्र ने स्तुति भगवान की और ब्रह्मा जी ने भी भगवान की स्तुति की, इन दोनों स्तुतियों में कौन की स्तुति से प्रभु विशेष प्रसन्न हुए, तो आचार्य चरण सुबोधन जी में आज्ञा करते हैं कि ब्रह्मा जी ने स्तुति की और इंद्र ने भी भगवान की स्तुति करी, विशुद्ध सत्वम तव धाम शांतम, और भगवान विशेष प्रसन्न हुए तो ब्रह्मा जी की स्तुति से नहीं, पर इंद्र की स्तुति से प्रकट हुए, क्यों कि आप यही सोचते थे भगवान कि सभी भक्त मेरे पास आ जाएं, आ नहीं रहे थे, अच्छा हुआ इंद्र ने वर्षा की तो सभी जीव मेरे पास आ गए, तो इंद्र की स्तुति से ठाकुर जी जल्दी प्रसन्न हुए, और स्तुति भी ऐसी निष्काम भावना से, जब हम निस्साधन बन जाते हैं तो भगवान स्वयं हमारे साधन बन जाते हैं, और जब तक हम साधन करते रहते हैं तो भगवान देखते रहते हैं कि करो करने दो साधन, मैं साधनों से नहीं मिलता। एक बार नारद जी ने भगवान से पूछ लिया, प्रभु मैं कई बार आपके मिलने के लिए आता हूँ, आप नहीं मिलते हो, आपका ठिकाना पता कोई बता दो तो मैं वहां आप आकर के आपके दर्शन कर लू। तब भगवान कहते हैं कि ना हम बसा में वैकुंठे योगिने योगिनाम हृदय न च मद भक्ता इत्र गायंती तत्र तृष्टामि नारद। हे नारद, ना हम बसा में वैकुंठ में, ये वैकुंठ में भी ज्यादा समय नहीं रहता हूं, तू समय के वैकुंठ में ही रहता हो तो कि नहीं, ना योगिनाम हृदय न च, योगियों के हृदय में भी नहीं रहता, तत्र तृष्टामि नारद, जहां मेरे भक्त मेरा यशगान गुणगान करते रहते हैं वहां मैं रहता हूं। जैसे आज इस कथा चल रही है तो कथा में भगवान आपके हृदय में विराजे हुए हैं, तभी इतनी देर तक आप घंटों तक आप बैठ करके कथा श्रवण सुन रहे हो, ये इसका प्रत्यक्ष प्रमाण और कृपा का प्रत्यक्ष अनुभव है। बोलो हाँ के ना, तो कृपा, ये कृपा है कि हमको भगवत नाम सुनने का अवसर प्रभु ने हमको दिया। ये सुबोधनी जी जो गूढ़ हैं कि इंद्र स्तुति और ब्रह्म स्तुति का समन्वय करा के, यहाँ पे भी ये प्रसंग बताया कि इंद्र स्तुति और ब्रह्म स्तुति, इंद्र ने स्तुति करी इससे ठाकुर जी प्रसन्न हुए, गोविंद नाम आपने धारण किया, क्योंकि साधन करने से भगवान प्रसन्न नहीं होते, क्योंकि साधन संपत्ति तो हम एक दूसरे को प्रसन्न करने के लिए करते हैं, कोई का कोई बर्थडे आवे कि दिन आवे, शुभ दिन आवे तो कोई उसे गिफ्ट दे, कोई वस्तु उसको दे, प्रेजेंट दे, जिससे वो खुश हो जाए, तो ये भौतिक वस्तुओं से हमारे पुष्टि पुरुषोत्तम प्रसन्न नहीं होते, प्रभु प्रसन्न होते हैं हमारे हृदय के शुद्ध भाव को देखकर, हमारे हृदय के अंदर रहा हुआ शुद्ध प्रेम को देखकर हमारे पुष्टि पुरुषोत्तम प्रसन्न होते हैं, और ये शुद्ध भाव श्री महाप्रभु जी की कृपा से अपने अंदर प्रकट हो। हमारा तो मनोरथ ये है, हमारे पितृचरण का, तात चरण का भी यही मनोरथ था,
ये मुरैना क्षेत्र दंडोती धार आसपास पुष्टि मार्ग की वैष्णव सृष्टि है। ये सभी सृष्टि अपने मन भेद और मतभेद को छोड़ करके एक पुष्टि पथ पर एकत्रित हो जाए। संघे शक्ति कल युगे, संगठन की आवश्यकता है, एकता की आवश्यकता है, और हमारे में एकता होगी तो आज हम असाध्य को भी साध्य कर सकते हैं। किसी को हम सब एक हैं, हम पुष्टिमार्ग हैं, वैष्णव हैं, ऐसा हम सबको गौरव होना चाहिए, ऐसा भाव हमारे होना चाहिए। एक दूसरे की बुराई करना, एक दूसरे के लिए कुछ अपशब्द कहना, ये वैष्णवों के लक्षण नहीं है। वैष्णवों के लक्षण तो ये है कि सामने वाले व्यक्ति में से कोई गुण को ढूंढ ले और गुण को ढूंढ करके अपना जीवन गुणमय भगवत सेवामय बना दे, वो वैष्णव है। तो सच्चे वैष्णव तो गोपीजन है। ऐसे गोपीजनों की सेवा करने की अभिलाषा तो उद्धव जी रखते हैं। गोपीजनों की भक्ति पराकाष्ठा की भक्ति है, अखूट प्रेम का सागर है। ऐसा प्रेम का सागर है कि वो भरा ही रहता है, जैसे सागर अनंत होता है। तो ऐसे प्रेम के सागर के लिए गीत मैंने बहुत पुराना कहीं सुना था, तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तू प्यार का सागर है। ये गोपीजनों के लिए कहा कि गोपीजन सुम प्रेम का सागर है। हम गोपीजनों को क्या कह सके, उनकी भक्ति, उनका प्रेम, उनका भाव, ये श्रीमद् भागवत में हम देख रहे हैं। गोपीजनों में जो दोनों रसों की अपन ने बात सुनी, जो संयोगात्मक रस है और एक विप्रयोगात्मक रस है, ये दो ही पुष्टि मार्गी रस हैं। जब गोपीजन और ठाकुर जी का मिलन है, रस है, रास है, वो है संयोग रस है। और जब संयोग अत्यधिक बढ़ जाता है तब दो में से एक हो जाए, ऐसा चिंतन जब ठाकुर जी करते हैं तो इसलिए उनको विप्रयोग करवाते हैं। पुष्टि मार्ग में विरह भी है, तापक्लेश भी है, क्योंकि आज हमारे अंदर थोड़ो भी ठाकुर जी के लिए भाव हो तो सेवा में से जब अपने घर पे अपन जाएं तो ठाकुर जी हमको याद आवे, ठाकुर जी को स्मरण, ठाकुर जी को चिंतन, आज हमने क्या सामग्री धराई, कौन से वस्त्र धराए, आज कौन सा दिन है। ओहो, आज को दिन तो बहुत मंगलमय दिन है, सबको तो मालूम है ना आज बसंत पंचमी को दिन है, हाँ के ना। बसंत पंचमी को परम शुभ माना गया है। अक्षय तृतीया और बसंत पंचमी का हमारे कहते हैं गुजराती में कि वगर जोई लू मुहूर्त, लौकिक अलौकिक कुछ भी काम करना हो तो बसंत पंचमी का मुहूर्त उत्तम में उत्तम माना गया है। और उसमें भी चौघड़िया होते हैं, शुभ है, काल है, अमृत है, और ऐसे शुभ चौघड़िया में मंगल कार्य करें तो सब कार्य उसका संपन्न होता है, लौकिक भी होता है और अलौकिक भी होता है। तो आज ये शुभ बसंत पंचमी का मंगल दिन है, और राष्ट्र के लिए, देश के लिए 26 जनवरी का दिन है। तो कहने का मतलब यह है कि हम रास जो है हमारे अंदर प्रेम रस, वो प्रेम रस हमारे हृदय में तभी प्रकट होगा कि जब हम उनके हो जाएंगे। भौतिकता हमारी दूर हो जाएगी, आध्यात्मिकता भी दूर हो जाएगी, आदिदेविकता हृदय के अंदर प्रकट हो जाएगी, तब वो गोपी का भाव हमारे हृदय में प्रकट होगा। जब हम ठाकुर जी की सेवा करते हैं, सेवा करने वाला कौन है, अपना नाम बताओ, वो है नहीं। सेवा करने वाली तो कोई यशोदा है, सेवा करने वाली तो गोपी है, नंदराई जी भी नहीं है, गोप भी नहीं है, सेवा करने वाले दो ही मुख्य हैं, का यशोदा का गोपी। आप यशोदा बन के ठाकुर जी की सेवा करो, का गोपी भाव आपके अंदर आ जाए और गोपी बन के ठाकुर जी को लाड लड़ाओ, अपने प्रीतम को लाड लड़ाओ और प्रीतम को प्रेम और भाव से सेवा उनकी करो, तो उनके प्रेम और भाव से करी हुई सेवा से प्रीतम प्रसन्न हो जाते हैं। तो विशेष तो ज्यादा कुछ कहना नहीं है, वैसे कहने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन समय को ध्यान में रखते हुए ये 4-5 दिनों से श्रीमद् भागवत कथा की अमृत वर्षा हो रही है। भाग्यशाली हो आप, ते सौभाग्या मनुष्येषु कृतार्था नमनिष्ठितम स्मरयन्ति स्मारयन्ति हरे नाम कलयुगे। इस कलयुग के अंदर
जो हरि का नाम लेता है और लिवाता है, सुनाता और सुनता है, दोनों ही कृतार्थ होते हैं। जितनी देर आप भागवत कथा में बैठ करके जो श्रवण करते हो, तो आपका मन, आपकी आत्मा, आपका देह सब पवित्र हो जाता है। ये बैठना भी एक तप है, जो जप करे और एक तीन घंटा तक बैठ करके कथा सुने, एक आसन पर बैठ करके सुने, तो एक साथ आसन पर बैठ के भी सुनना तप है, और कोई तप नहीं है। एकाग्रता हमारी हो और आंख बंद करके गौमुखी की माला में बैठ करके मन का में मंत्र का जप करें, वो हमारा जप है, और ये एक आसन बैठ करके हम सुने, वो हमारा तप है। ये जनों, ये श्रीमद् भागवत भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का अलौकिक दिव्य चरित्र, वो लीलात्मक है, रसात्मक है, भावात्मक है, स्वरूपात्मक है। केवल इनका गुणगान करें, स्मरण करें, चिंतन करें, तो हमारे अंदर भी आर्द्रता आए। पुष्टि भक्त का हृदय सरोवर है, जैसे सरोवर होता है, सरोवर में कमल खिलता है, उसी तरह पुष्टि भक्त के हृदय रूपी सरोवर में प्रेम रूपी कमल खिला हुआ है। और जब कमल खिल जाता है, अभी ताली बजाने की जरूरत नहीं है, जब मैं कहूंगा बताऊंगा ताली कब बजानी चाहिए, वो भी बताऊंगा, सिखाऊंगा ताली कब बजानी चाहिए, वो भी बताऊंगा आपको, आज ही बताऊंगा, थोड़ी देर में बताऊंगा। जब देखो जब बजा दी नहीं, उसका भी एक मौका होता है, एक अवसर होता है, बात होती। जब तक बात पूरी ना हो जाए ताली कैसे बजा दे, बात बराबर पूरी समझ में नहीं आवे तो ताली कैसे बजा दे। तो बात पूरी समझो तो सही। पुष्टि भक्त का हृदय सरोवर है, पुष्टि भक्त के हृदय रूपी सरोवर में प्रेम रूपी कमल खिला हुआ है, और जब सरोवर में कमल खिल जाता है प्रियजनों, तो भ्रमर अपने आप आ जाते हैं। तो इसी प्रकार पुष्टि भक्त के हृदय रूपी सरोवर में प्रेम रूपी कमल खिला हुआ है, और भ्रमर रूप में ठाकुर जी पधारते हैं। अब बजाओ ताली, अब बराबर, अब आ गए आपको ताली, बात पूरी नहीं और बीच में ताली नहीं बजानी। ताली क्यों बजाते हैं, उसमें हमारी प्रशंसा व्यक्त करते हैं, वाह वाह बोलेंगे तो बहुत आवाज हो जाएगा, लेकिन हम ताली इसलिए बजाते हैं कि जो आप कह रहे हो बिल्कुल सही है, सच है, जीव अनुकरणीय है, स्मरणीय है, हमको प्रसन्नता है इस बात की आपकी वाणी को सुनकर के, इसलिए हम ताली बजाते हैं कि बात हमारी सत्य है और जीवन में उतारने जैसी है। तो ये पुष्टि भक्त का हृदय रूपी सरोवर में प्रेम रूपी कमल खिला और ब्रह्म रूप में ठाकुर जी पधारते हैं। आज ये मैं अनुभव कर रहा हूं, आप जितने भी यहाँ पर पंडाल के अंदर भगवत कथा सुनने के अंदर आए हैं, उन सब के हृदय में ठाकुर जी विराजमान है। बोलो श्री गोपाल लाल प्यारे की जय। सब के हृदय में प्रभु विराजमान है और सदा विराजते रहें, और भाव और प्रेम का पोषण आपका करते रहें, आपकी भाव और प्रेम की वृद्धि होती रहे, ऐसे मनोरथ होते रहें, ऐसे गोपाल प्रभु आनंद कर रहे हैं, आनंद कराते रहें, और हम भी कभी यदा तदा समय मिलेगा तो आकर के अपनी वाणी पवित्र करेंगे। हमारी भावना तो यही है, हमारे पूर्व जो हमारे पितृचरण, हमारे तात चरण की यही भावना थी। ये मुरैना क्षेत्र के अंदर ये पुष्टि मार्ग वैष्णव कोई भी वर्ण में जाति में क्यों ना हो, लेकिन पुष्टि मार्ग में है तो उसको घर घर में ठाकुर जी विराजने चाहिए, घर घर भक्ति का दीपक प्रज्वलित होना चाहिए। केवल गले में तुलसी की दो माला पहनने से या ऊर्ध्वपूर्ण तिलक लगाने से कार्य पूरा नहीं होता, कार्य पूरा तो तब होता है यावत जीवम सधर्मतः, देह में प्राण है तब तक हमको अपने धर्म के अनुसार कर्तव्य का पालन करना चाहिए और महाप्रभु जी की आज्ञा का पालन करना चाहिए। तो महाप्रभु जी की आज्ञा भी यही है कि हमने शरण में आ गए, दीक्षा ले ली, दो दो तुलसी की माला पहन ली, नित्य नहा करके चरणामृत लेते हैं, तिलक लगाते हैं, करते हो कि नहीं? हाँ के ना, झूठ मत बोलियो, नहा के चरणामृत लो हो, सच्ची बताइयो, हाँ झूठ मत बोलियो, जो लेता है अच्छा जान लेते हैं, कठिन नहीं करें, जो नहा के चरणामृत लेता है वो उंगली ऊंची करें, कभी पता चल जाएगा, सच्ची बोलियो, झूठ मत बोलियो, वापिस धर दो। नहाए के जो चन्नावत लेकर ललाट में प्रसादी कंकु को जिलक तिलक नित्य प्रति करे, वो वैष्णव हाथ ऊंचो करे। प्रसादी कंकु का तिलक और ये आप जो लगाते हैं, महिलाएं लगाती हैं, उसको कहते हैं टीकी,
अब देख लो एक दूसरे की शकल, कितने हाथ ऊंचे भाई और कितने नहीं भाई, मैं क्या कहूँ, मुझे कुछ कहने की आवश्यकता ही नहीं। अपने आप को आप सोचो विचारो, हम पुष्टि मार्ग में आए, आ तो गए, लेकिन पुष्टि मार्ग हमारे अंदर आयो कि नहीं आयो वो देखो अपने आप को। कोई क्या हमारी गलती बताए, हमको तो अपने आप को सुधार लेना चाहिए, सुधर जाना चाहिए। कोई गलती हमारे बतावे हमको अच्छा भी नहीं लगता, लेकिन जब गुरुद्वार पे हम आ गए, कथा मंडप में आ गए, सुनने के लिए आ गए, जो हमें कोई हमारे ज्ञान की बातें, कोई हमारे जीवन में परिवर्तन लाने की बातें कोई कहता है आचार्य, तो ऐसी आचार्यों की वाणी को शांति से सुनना चाहिए, जीवन में आत्मसात करना चाहिए। जगे तब से सवेरा ऐसा मान करके हम अपने कर्तव्य रहें, स्नान करें, चरणामृत लें, तिलक लगाएं, समय हो तो ठाकुर जी पुष्टि करा करके घर में तन मन धन से उनकी सेवा करें, सत्संग का आग्रह रखें, नित्य सत्संग करें। जैसे देह को चलाने के लिए अन्न और जल की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार आत्मा को पोषण देने के लिए सेवा और सत्संग की आवश्यकता होती है। प्रियजनों, ये कभी छोड़ना नहीं चाहिए। कहने का सार यही है कि भागवत भगवान का स्वरूप है, भक्ति शास्त्र है, और ये प्रेम रक्षणा भक्ति का शास्त्र है। यहाँ गोपीजनों के प्रेम की प्रधानता बताई है। अंत में भी भागवत जी के अंत में भी जब कथाएं पूर्ण होने आती तब लास्ट में यही कहते हैं सुखदेव जी महाराज, राजन मैंने तुझे बहुत कुछ कह दिया, राजा महाराजाओं की कथा सुना दी, भगवान के अवतारों की कथा सुना दी, सब बहुत कुछ कह दिया है, लेकिन इतना तुझे याद रहे कि ना रहे, लेकिन इतना याद रखना, गोकुल में भगवान प्रकट हुए यशोदा जी के यहाँ पर और गोपियों को आनंद प्राप्त कराया, रास लीला करी, बस वो लीला का चिंतन तू करना, उसी में तेरा मोक्ष और उद्धार है। तो कहने का मतलब यह है प्रियजनों, ऐसे अलौकिक प्रसंगों को जब हम सुने उसका मनन करें, चिंतन करें, जीवन में उतारें। आप सभी वैष्णव के ऊपर महाप्रभु जी की और हमारे ताजचरण की, पुरुषोत्तम लाल जी महाराज जी की कृपा दृष्टि की वृष्टि अपन पे रहे सदा, यही बात को कहते हुए श्री गोपाल प्रभु के चरणों में, भागवत भगवान के चरणों में अपने वाक पुष्पों को मैं समर्पित करता हूँ। शिवल्लभाधीश की। बंधुओं, अभी आपने आचार्य चरण के मुखारविंद से बहुत ही सुंदर वचनामृतों का श्रवण किया। ये पुष्टि मार्ग है और हमारे गोसाई जी से विट्ठल नाथ जी, जिनके विषय में कहा जाता है विवेक शून्य को जो अपना ले उसको से विट्ठल कहते हैं, और मिले ब्रजपति जी से सरल राह से उसे पुष्टि मार्ग कहते हैं। और हम जीवों के खातिर ही प्रभु, हम जीवों के खातिर प्रभु आचार्य रूप धरकर आते हैं, और विवेक शून्य को जो अपना ले उसको श्री विट्ठल कहते हैं। तो ये श्री विट्ठल नाथ जी, श्री गोसाई जी ने इस पुष्टि मार्ग का प्रकाश किया। ये पुष्टि मार्ग जीव मात्र के लिए है, किसी जीव मात्र, मानव मात्र, किसी भी जाति धर्म में जन्म लिया हुआ हो वे पुष्टि मार्ग में प्रवेश कर सकता है। इसी श्रृंखला में यहाँ पर जो ये मंदिर है आपके यहाँ मुरैना गांव में, जो आपने बड़ी कृपा करके ये मंदिर जो सिद्ध किया है, जो बैठक जी है यहाँ पर, आप सभी को जो है दर्शन करने के लिए आना है, और सभी जो है यहाँ दर्शन करके अपने आप को कृतार्थ करें, क्यों कि प्रभु तो सभी के लिए होते हैं। जीव मात्र पर जो भी ठाकुर जी की आराधना करते हैं, हमारे यहाँ तो है कि जीव मात्र पर कृपा करी है, यहाँ तक कि है कि गोसाई जी से विट्ठल नाथ जी ने कबूतर और कबूतरी के जोड़े को भी जो है दीक्षा दी है। यहाँ पर किसी जाति विशेष की कोई प्रधानता नहीं है या भाव की प्रधानता है, पुष्टि मार्ग सिखाता सबको श्रद्धा भक्ति और समर्पण, अपनाते प्रभु उसे दौड़कर, चाहे कोई धनपति हो या निर्धन। ये मेहा धीमर भी यहाँ पर प्रवेश किए और पुष्टि मार्ग के जो है बहुत बड़े भक्त हुए, 84 वैष्णवों में उनका नाम आता है मेहा धीमर, ये सभी जो है पुष्टि मार्ग के शिष्य थे। तो इसी श्रृंखला में कुछ नाम हैं जिन्होंने अपनी सेवाएं पधराई हैं।
तो मैं जिनके नाम बोलूंगा वे अगर यहाँ पर उपस्थित हों तो आकर के और आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। जो भी ये नाम बोलूं वो सज्जन उपस्थित हों कृपया शीघ्र आ जावें। परमानंद जी दंडोतिया केशव कॉलोनी, कृष्णा राजीव जी पाठक ग्वालियर, राधा चरण जी खेमरिया मुरैना, संजू जी कुशवा मुरैना, गौरी शंकर जी सरपंच, अमर सिंह जी दंडोतिया मुरैना, अतर सिंह जी दंडोतिया, मनोज जी शर्मा वकील साहब केशव कॉलोनी मुरैना, श्री कृष्ण कुमार जी दंडोतिया न्यू गांधी कॉलोनी मुरैना गांव, ये जो भी सज्जन उपस्थित हों कृपया आके आशीर्वाद ग्रहण कर लें। जिनके मैंने नाम बोले हैं अगर वो ना हो तो उनके परिजन भी अगर यहाँ हो तो वो भी आ सकते हैं। परमानंद जी दंडोतिया, कृष्णा राजीव जी पाठक, राधा चरण जी खेमरिया मुरैना, संजू जी कुशवा मुरैना, गौरी शंकर जी सरपंच, अमर सिंह जी दंडोतिया मुरैना, अतर सिंह जी दंडोतिया, मनोज जी शर्मा वकील साहब और श्री कृष्ण कुमार जी दंडोतिया न्यू गांधी कॉलोनी। शिवल्लभाधीश की जय। और अब आरती का क्रम प्रारंभ होगा। आरती के बाद आप सभी जो है फूल फाक के दर्शन करेंगे। वो कृपया कोई उठे नहीं, आप अपने स्थान पर बैठे रहें। आप किनके परिवार? अच्छा, मनोज जी वकील साहब। संजू कुशवा आ जाओ, आ जाओ। कहाँ? कृष्णा राजीव पाठक है। कृष्ण कुमार जी लिखवाया, कृष्ण मुरारी लिखवाया, कोई बात नहीं। तो पिछले वर्ष जब पाठोत्सव हुआ था तब यहाँ पर कोई भी माताएं बहनें माला जी सिद्ध करना नहीं जानती थी। प्रसन्नता की बात है कि यहाँ कम से कम 5-6 माता बहनें माला जी प्रतिदिन सिद्ध करती हैं। तो अब इसमें एक बिंदी और लग जाए तो कोई बुराई नहीं है, 6 हैं तो 60 हो जाएं। अगले पाठोत्सव कम से कम 60 माताएं बहनें माला जी सिद्ध करना सीख जाएं तो हम ये समझेंगे कि बहुत ही सुंदर आपने इस कथा का श्रवण किया। बोलो वल्लभाधीश की। हे गिरिधर तेरी आरती गाऊं, इसके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुम को रिजाऊं। हे गिरिधर तेरी आरती गाऊं, मोर मुकुट माथे पे सोहे प्यारी बंसी मुनि मन मोहे, देख छवि में बले बले जाऊं। हे गिरिधर तेरी आरती गाऊं, चरणों से निकली गंगा प्यारी जिसने सारी दुनिया तारी,
ग्रही सोपत श्री गोवर्धन नाथ परम उदार चतुर चिंतामणि राखत भवदारा वहि जात। भज कृष्ण दास काज सब सरई जो जाने श्री विठल नाथ परम कृपाल श्री वल्लभ नंदन करत कृपा निज करत कृपा निज करत कृपा निज हर। कथा विश्राम लेगी, पूर्णावति है और परसों भंडारा है और परसों ही जो है हमारे श्री गोपाल प्रभु का पाठोत्सव है। आप यानी श्री आनंद कंद परम ब्रह्म श्री कृष्ण की नित्य लीला स्थली और ब्रज यात्रा यानी प्रभु की श्री चरण रज प्राप्त करने का अलौकिक दुर्लभ अवसर, जहां आज भी वैष्णव जन श्री वल्लभ के साथ प्राप्त कर रहे हैं श्री यमुना जी के अलौकिक रसात्मक स्वरूप का सानुभाव एवं श्री हरिदास वर्य श्री गिरिराज जी की कृपा का अनुभव एवं उनकी परिक्रमा श्री बैठक जी में निरंतर मिल रहा है श्री महाप्रभु जी के पावन चरण स्पर्श का आनंद और बहुविध कुंज निकुंज में प्रभु की लीला का हो रहा है साक्षात अनुभव। विविध रास थली में आज भी श्री ठाकुर जी श्री स्वामिनी के संग कर रहे हैं रास और साकरी खोर दानगढ़ मानगढ़ में आज भी प्रभु मांग रहे हैं दान, जहां रज से जल और जल से रज उत्तम है। भक्तिमय होगा वातावरण सारा जब बहेगी भक्ति की अविरत धारा। ऐसी अलौकिक ब्रज यात्रा का संपूर्ण आनंद उठाइए सिर्फ 9 दिनों में और वो भी पवित्र श्री पुरुषोत्तम मास में। तो आइए श्री पुष्टि धाम हवेली सूरत द्वारा आयोजित वैष्णवाचार्य परम पूज्य गोस्वामी श्री दामोदर लाल जी महाराज श्री कड़ी अहमदाबाद सूरत की सर्वाध्यक्षता में एवं वैष्णवाचार्य परम पूज्य गोस्वामी श्री हरि राय जी महोदय श्री तथा वैष्णवाचार्य परम पूज्य गोस्वामी श्री गोवर्धनेश जी महोदय श्री की अध्यक्षता में ब्रज बैठक यात्रा 2004, ब्रज यात्रा 2008, ब्रज यात्रा 2012, ब्रज रसानंद महोत्सव 2015 एवं श्री ब्रज यात्रा लीली परिक्रमा 2018 के स्मरण स्वरूप फिर एक बार ब्रज रसानंद महोत्सव 2 का भव्य आयोजन आगामी अधिक मास में दिनांक 18 जुलाई 2023 से 26 जुलाई 2023 तक होने जा रहा है। यह ब्रज रसानंद महोत्सव अंतर्गत पूज्य श्री गोवर्धनेश जी महोदय श्री के मुखारविंद से 108 पोथी जी के साथ श्रीमद् भागवत कथा के श्रवण, श्री ठाकुर जी की विविध लीला स्थली में श्री प्रभु के अलौकिक मनोरथ का लाभ और साथ ही साथ ब्रज 84 कोस ब्रज यात्रा करने का दिव्य सौभाग्य वैष्णवों को प्राप्त होगा। आप यह पुण्यकारी अधिक मास में श्रीमद् भागवत पोथी जी के मनोरथी स्वरूप भी वैष्णव भाव भूमि अहमदाबाद में नव निर्मित श्री जी द्वार हवेली की भगवत सेवा में सहयोगी हो सकते हैं। तो आइए इस पावन कल्याणकारी अलौकिक अवसर में जुड़कर वैष्णव जीवन की अति धन्यता का अनुभव कीजिए। ब्रज रसानंद महोत्सव में जुड़ने, पोथी जी मनोरथी बनने एवं अधिक जानकारी हेतु आज ही संपर्क करें
मोबाइल नंबर 9374726780, 9879830937, 9328248367। मुख्य संपर्क स्थल श्री पुष्टिधाम हवेली, मोटा बराछा, सूरत। जय श्री कृष्ण।